अस्सलाम वालेकुम, आज मैं निदा यासिर और मेरे साथ हैं वसीम बदामी। हम आए हैं TCF स्कूल में ताकि हम बात कर सकें बेटियों की एजुकेशन के ऊपर। बेटी पढ़ाओ, उसे मजबूत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये इस्मत यार साहब हैं, यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं एक्चुअली। और अब हम दोनों यहाँ खास तौर पर इसलिए आए कि हम जानना चाहते हैं, हम भी और हम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि TCF एक्चुअली क्या है। हमारा आज का मासूमाना सवाल यही है, यानी 9 बजे जो बंदा बैठा है ऐसे उसको 11:30 बजे तक पता हो कि व्हाट इज TCF ऑल अबाउट, इसमें कौन लोग आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे चलता है। ये आपने हमें आसान तरीन अल्फाज में समझा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द सिटीजन फाउंडेशन बेसिकली एजुकेशन के अंदर है, हम स्कूल चलाते हैं सादा जबान में। हमारे KG से मैट्रिक जो है वो स्कूल चलते हैं। इधर सामने जो है हमारा KG से मैट्रिक स्कूल है। अच्छा। ये आप TCF के कॉलेज में इस वक्त KG स्कूल भी है। KG से मैट्रिक तक है। KG से मैट्रिक तक है। और ये कॉलेज हमारा इंटरमीडिएट जो है यहाँ प्री इंजीनियरिंग। अच्छा। तो हमारा सफर जो है बोर्ड के पेपर ये वो जी हम 11 बोर्ड्स में बैठते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये सफर 1995 में शुरू हुआ था इस ख्वाब के साथ कि हम 1000 स्कूल अगले 20 साल में बनाएंगे। 1000 स्कूल। आप कितने कामयाब हो सके इस मकसद में? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज TCF जो है 1567 स्कूल यूनिट्स अक्रॉस पाकिस्तान में चला गया काम भाई। माशाल्लाह जबरदस्त। और तकरीबन 1500 से ज्यादा स्कूल आपके? हमारे 1500 से ज्यादा स्कूल। वाओ। और कितने स्टूडेंट्स अंदाजन? 252,000 स्टूडेंट्स जो हैं KG से मैट्रिक तक जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़के भी लड़कियां भी? इसमें जो सबसे अच्छी और खुशी की बात वो ये है कि 50% जो हैं वो लड़कियां हैं। वाओ तालियां, गुड जबरदस्त। और ये बाय डिजाइन चीज है, ये हुस्न एहतमाम है, हुस्न इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने डे 1 से ये डिसाइड किया था कि बच्चियों को जो है हमें तालीम देनी है। तो आपने सीट ही लड़कियों की ज्यादा रखी या ये हुआ कि 50% 50%? नहीं 50-50 ही रखा था। अच्छा। डिजाइन के इसको 50-50 रखेंगे। तो उसके लिए हमने मॉडल में जो है वो बहुत खास चीजें हैं कि जैसे कि आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी जी। ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है। ये पाकिस्तान के खूबसूरत बच्चों के लिए खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ताकि यहाँ पे बच्चे खुशी खुशी आए, जो ख्वाहिशात जो उनकी उम्मीदें हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। जैसे अगर अगर हम आपसे ये पूछें कि जो बच्चे हैं उनके वालिदैन क्या करते हैं, तो अगर आप उसमें बताएंगे शायद हम समझ पाएंगे, अंदाजा हो जाएगा कि क्या। जी हमारा जो है ना जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो लोएस्ट इनकम स्टार्टर में जो लोग काम करते हैं जिसमें माली है, चौकीदार है, रिक्शे वाले हैं, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते ना कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। माली सोचता है मेरा बच्चा वो भी माली बनेगा क्या? तो हाँ तो वो डेली वेजेस जो हैं वो इस तरह का जो प्रोफाइल है ज्यादातर जो है वो उस कैसे आ सकते हैं? वो आपके माली का बच्चा है, वो आज के प्राइम देखने के बाद उसके भी जहन में ख्वाब जाग जाता है कि मेरा बेटा भी ऐसे स्कूल में पढ़े, वो क्या करे, कैसे कैसे एडमिशन ले ना? सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सीधा सिर्फ प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल साहबा के पास जाए और कहें कि जी मुझे अपने बच्चे का एडमिशन लेना है। कोई वो नहीं होता आपको जैसे आम स्कूल होते हैं जी, अच्छा जी पता चला खुशखबरी आने वाली है, नहीं अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया है और आप चले गए एडमिशन कराने। तो 5 साल की उम्र में एडमिशन शुरू होता है हमारा स्कूल के अंदर। 5 साल में आप KG में एडमिशन? KG में लेते हैं। हमारे कुछ जगहों पे पायलट हम चला रहे हैं जहाँ पे हम नर्सरी भी चल रहा है। अच्छा। बट अभी वैसे मॉडल में जो है वो 5 साल की उम्र में हम बच्चों को लेते हैं। अच्छा देखिए जैसे माली का बच्चा तो आ गया, फीस उसको नहीं देनी पड़ी, किताबें? अच्छा नहीं सॉरी, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, फीस हम चार्ज करते हैं। अच्छा। हमारी फीस जो है वो 10 रुपए से शुरू होती है और वो इस वजह से कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस ना हो कि वो पैसे नहीं दे सकता, लेकिन इज्जत-ए-नफ्स भी जो है वो मजरूर है। वेरी गुड। वो अशफाक साहब का कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने कहा कि उस छांव से जहां मुझे मेरी इज्जत-ए-नफ्स मजरूर होती है उससे कहीं ज़्यादा मैं धूप प्रेफर करूँगा। तो हमारा भी फलसफा ये था कि बच्चों को ये नहीं पता लगना चाहिए या वालदैन को कि कॉस्ट क्या है, उनको ये लगना चाहिए कि हम जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उससे आप चार्ज कर लेते हैं। वेरी नाइस। नहीं तो मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन करूंगी कि यूनिफॉर्म, कोर्स की किताबें,
वो सारे एक्सपेंसेस उसका क्या सीन है? वो सारा जो है वो उसमें शामिल होता है। अच्छा, तो जो अच्छा। बच्चे 10 वाले उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको मुफ्त दी जाती है। अच्छा। बुक उसका हमने बुक बैंक अब एक बना दिया है, तो 80 रुपए साल का जो है वो चार्ज किया जाता है। आपकी कोई ऐसे ऐसे लोग होंगे ना जो पता लगाते होंगे कि ये जो अभी एडमिशन आया है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितना कमाने वाले हैं, वो सारे वो हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप समझ लें कि हमारे ईयर आईज एंड लेग्स हैं स्कूल उस इलाके के, दे नो एग्जैक्टली किस प्रोफाइल के कहाँ से लोग आ रहे हैं। पूरा एक फॉर्म हमारा जो है वो भरा जाता है, इसमें ज़कात का अलग होता है। अच्छा। और नॉन ज़कात अलग होता है। सप्लाई डिमांड गैप नहीं है, बहुत सारे बच्चे आना चाह रहे होंगे और आपके पास मतलब अगर से 3 लाख बच्चे हैं आपके पास, फिर भी जाहिर है पूरा पाकिस्तान कैटर कर रहे हैं, तो सप्लाई डिमांड गैप आज से 45 साल पहले तालीम एजुकेशन का सप्लाई इशू भी था और डिमांड इशू। बिल्कुल ऐसे ही आज जो है वो सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है, डिमांड इशू। पेरेंट्स भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं भेज पाते क्योंकि उनके पास या पैसे नहीं है या उनके इलाके में स्कूल। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी ऐसा हुआ कि एक मेरी हेल्पर थी, उसने मुझे कहा कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने जज्बाती होकर पूरे साल की फीस दे दी। 2 महीने बाद पता करती हूँ कि वो अपने बच्चे को गाँव लेके चली गई 2 महीने के लिए। लाइक होता है ना, मतलब फिर जब आप खुद नहीं दे रहे होते पैसे तो आपको थोड़ा सा दर्द भी कम हो जाता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने कहा यार मतलब तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कराया और तुम किसी की शादी अटेंड करने के लिए 2 महीने की छुट्टी करा के तुम उसे ले गई, तो उसने क्या पढ़ा? तो थोड़ा सा एहसास भी मैं कहती हूँ लोगों को, यही ओनरशिप लेकर तो हमें जो एवरेज हमारी जो कलेक्शन है वो हमें 200 रुपए मिलते हैं इस कीमत में ऑन एवरेज। अच्छा, पर मंथ। और हमारी जो कॉस्ट है वो 1600 रुपए पर मंथ। अच्छा, तो 1400 जी, तो जो डिफिसिट है 1400 का वो फिर हम मुखैर जो हजरात हैं उनसे फंडरेजिंग के थ्रू। आपका साल का बजट कितना है तकरीबन? हमारा तकरीबन 3.5 अरब के करीब बजट। और फीस से तो इसका 20% आ जाता होगा? जी, बहुत कम आता है, लेस देन। तो बाकी लोग कंट्रीब्यूट करके देते हैं? इतना आसान नहीं है लहू रोना, आई एम श्योर काफी मुश्किल होती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है इस शो को देखने के बाद बहुत सारे लोग आसानी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना ये मल्टीनेशनल कंपनीज भी आप लोगों के साथ आ रही है, आपको अप्रोच करिए, एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज है ये। एब्सोल्युटली नहीं, हम अब जो पूरा ये 24 साल सर्वाइव किया है इसमें हमारे डोनर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे एम्बेसडर्स, हमारे सपोर्टर्स, अगर ये ना होते तो ये मंजिल यहाँ तक नामुमकिन थी कि हम पहुंचे। और पूरी दुनिया में इनका बड़ा नाम है इसका, मैं शायद एनी शायद इसलिए हूँ कि अभी मैंने 2 महीने पहले नॉर्वे में एक प्रोग्राम किया था, सिटीजन फाउंडेशन की फंड रेजिंग थी वो। अच्छा। जहाँ नॉर्वे में पाकिस्तान के सफीर, टर्की के सफीर, वो सब आए हुए थे। तो माशाल्लाह इंटरनेशनल चैप्टर भी बड़े एक्टिव हैं इनके फंड रेजिंग के हवाले से। जी, तो बहुत कुछ अभी हमें जानना है TCF के बारे में और हमें आप मिलवाएंगे भी यहाँ पे टीचर्स से, बच्चों से भी हम मिलना चाहेंगे, आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे। अच्छा, कितना पुराना ये स्कूल है? ये वाली ब्रांच ये हमारा जो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2008 में मेरे ख्याल से। अच्छा, 10 साल हो गए यहाँ। तो कभी कोई ऐसा हुआ है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला कोई बच्चा कोई बड़ा कामयाब हुआ हो और आप लोगों से वापस मिलने आया हो, एक थैंक्स करने के? हमारे जो अलमनाए हैं आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे IB हो, लम्स हो, NAD हो, लामा शाह खान हो, नस्ट वगैरह, ऑल यूनिवर्सिटीज़ हमारे बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब कई बच्चे जो हैं जो अब नौकरियों में आ गए हैं वो अब दे आर गिविंग बैक नॉट ओनली टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, बल्कि यहाँ TCF में आके भी जो है वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। वॉलंटरीली भी कंट्रीब्यूट। किसी बच्चे ने 200 रुपए फी महीने में पढ़ा हो और वो डोनेट कर रहा हो 2000 रुपए या 5000 या जितने भी। मैं आपको बताऊँ, हमारी अलमना है डॉक्टर, वो बनी है MBBS। अच्छा। और उन्होंने जिस क्लास से KG से पढ़ा था तो उन्होंने पैसे उस क्लास के 30,000 रुपये उस महीने के हमें क्लास को चलाने के चाहिए होते थे, तो उन्होंने 30,000 का जो पहली तनख्वाह का चेक था वो ना हमारे CEO के हाथ में उन्होंने दिया के दी है। आज कोई ताली यहाँ बजाने वाला नहीं है लेकिन हम दोनों को तालियां बजा रहे हैं। यस, और मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे तालियां बजाएं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम हमेशा आई डोंट नो हम अपने मुल्क का बुरा चेहरा क्यों दिखाते हैं। सही बात। कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही होती है
تو آج ہم آپ کو اپنے ملک کا اچھا حصہ بھی دکھانے والے ہیں. انتظار کیجیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ہم تینوں اس وقت موجود ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جوائن ان کرتے جائیں گے اور آپ کو آج ٹی سی ایف کیا ہے یہ پتہ لگتا جائے گا. گڈ مارننگ پاکستان, بیٹی پڑھاؤ اس کا مستقبل مضبوط بناؤ. جی آپ نے دیکھا میرے ساتھ اس وقت یہاں وسیم بادامی موجود ہیں, استدیار موجود ہیں اور ابھی ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے تحریم نے اپنی نویا کے ساتھ. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ نویا وہ ہیں جو دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے ہی بڑی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, اور یہ چھوٹی سی ہوتی تھی مجھے تب سے لگتی تھی بڑی ذہین ہے. اور آئی نو کہ تحریم نے بھی اس کی ایجوکیشن پہ اس کی چھٹی نہیں کرا دی تھی, نہیں میں نہیں آ سکتی نویا کی چھٹی نہیں کراؤں گی. ابھی بھی جو شوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے وہ اسی شرط پہ ہوتے ہیں, اور میں اسپیشلی فون کر کے کہتی ہوں کہ جون جولائی میں شوز رکھ لو نویا کے ساتھ میں شو کرنا چاہتی ہوں, یا ڈسمبر میں ہوتا ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کو اگر پیرنٹس ماں باپ نہیں اس بات کا احساس دلائیں گے بچوں کو کہ آپ کی تعلیم کتنی ضروری ہے آپ کے لیے, تو بچوں کو نہیں پتا چلتا. ہاں اور کیا, اور اگر ہمیں بھی آج یہ پتا ہے کہ ہماری تعلیم کتنی ضروری تھی یا ہمارے بچوں کی تعلیم کتنی ضروری تھی, تو اس میں ہمارے ماں باپ کی ایفرٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بہت تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری چیز ہے. اور سب سے پہلے وہی والی چیز ہے نا, ڈسپلن کریں آپ اپنے گھر والے. آپ کی تو بیٹی نہیں ہے, میں آپ سے کیا پوچھوں, آپ سنیں صرف, پھر آپ کو شوق ہوگا کہ اچھا بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں, پھر ہمیں کچھ کبھی جو بیٹوں کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کے لیے ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ بیٹی بیسکلی ہوتی کیا ہے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی ایونچولی ایک بیٹی نے آنا ہی ہوتا ہے. بالکل, تو وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بیٹی کی کیا تعلیم اور تربیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے. فادرز کے لیے بھی اور مدرس کے لیے بھی بیٹی ایک خاص اسپیشل چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو ہم اس رحمت کو کیسے ایسے چھوڑ دیں, کیسے بغیر پڑھائے ہم اسے گھر میں بٹھائیں. مطلب بیٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ صرف بچے پیدا کریں, گھر کی روٹیاں بنائیں, بیٹیوں نے بہت کچھ کرنا ہے. سوچیں جو بیٹا بھی ہے وہ بھی ایک ماں کی گود میں سب سے پہلے آتا ہے, تو اگر وہی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس کی پرورش کرے گی؟ لوگ کہیں گے آئے ہماری نانیاں دادیاں بھی تو تھیں, انہوں نے تو کوئی نہیں پڑھائی کی ہوئی تھی. بہت اچھی بات ہے کہ بیٹی کو پڑھانے یا نہ پڑھانے کا فیصلہ اس بات میں نہیں کریں کہ اس نے نوکری کرنی ہے. یس یس ایگزیکٹلی, یہ اس کا ایسے تعلق ہی نہیں ہے. نسل بنانی ہے تو پڑھانا تو ضروری ہے. آپ کو کسی وجہ سے نوکری نہیں کروانی نہ کروانی, لیکن اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناؤ. اچھا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پڑھائی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیسکلی سیلری کے لیے یا اسٹیٹس کے لیے ہے. مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی جو آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایک نسل کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. سیلری تو اس کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے. ایگزیکٹلی, نسل بنا رہے ہیں, پوری نسل بنانی ہے. اور لڑکیاں چونکہ اللہ نے نیچر بھی ایسی بنائی ہے کہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں, چیزوں کو بڑا غور سے دیکھتی ہیں, ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں, اور اگر اس میں ساتھ آپ ان کی تعلیم بھی دے دیں تو وہ چیز کتنی زیادہ نکھر جاتی ہے. بالکل, آپ کی شخصیت میں کتنا زیادہ نکھار آ جاتا ہے. اور یہاں خاص طور پہ ٹی سی ایف پہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں بہت ساری بیٹیاں ہیں جو پڑھنے آتی ہیں. جیسے کہ استنیار صاحب نے کہا کہ 50% لڑکیاں ہیں اسکول میں, تو یہاں میرے سامنے بہت ساری پیاری پیاری معصوم سی لڑکیاں ہیں اور جو سمجھدار بنتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو پڑھا رہے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. پلیز وسیم آپ بھی میرے چلیں اور آپ بات کرتے ہیں. جی اوکے, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ تو چھ کے چھ پڑھتے ہیں کہ صرف آپ پڑھتی ہو؟ چھ کے چھ. تو یہ مطلب کیسے تم لوگوں کو ہوا شوق کہ سب نے پڑھنا ہے؟ کس نے سمجھایا؟ امی ابو پڑھے لکھے ہیں؟ جی امی ابو بھی پڑھے لکھے ہیں. ویری گڈ. ابو کیا کرتے ہیں؟ شیٹرنگ کا کام. زبردست, شیٹرنگ کا کام کرتے ہیں. اور بتانا اس بات پہ ہمیشہ فخر کرنا چاہیے کہ میرے ابو جو ہیں وہ حلال روزی کماتے ہیں. ہمیشہ پراؤڈلی بتانا ہے سب کو کہ میرے ابو یہ کام کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پھیلاتے نہیں کسی کے سامنے. کسی کے سامنے بتایا تھا آپ کو اس اسکول کے بارے میں؟ مما کی دوست نے. مما کی دوست نے بتایا تھا, تو پھر اس کے بعد سارے بہن بھائی یہاں آ گئے. جی ہاں. چھٹی تو نہیں کرتی اسکول کی؟ کرتی ہوں. کرتی ہو؟ چھٹی نہیں کرتی اسکول کی؟ ٹائم پہ پہنچتی ہو؟ بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ اچھا ٹیچر. ٹیچر بننا ہے بھائی بھائی. چلیے جی کسی اور سے بھی بات, انشاءاللہ ایک دن یہی بچی اسی اسکول میں ہی پڑھا رہی ہوگی. بالکل بالکل, کیوں نہیں. ہاں بھائی, اور کون مجھ سے بات کرے گا؟ تم بڑی چپ بیٹھی ہوئی ہو, میں تمہارے پاس آ رہی ہوں, ہے نا؟ اور بہت اچھے سے انہوں نے ہے نا. سب سے پہلے یہ کہو, سب کو کہو کیمرے میں دیکھ کے, میں دیکھتی تمہارا کانفیڈینس لیول کتنا ہے. بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناؤ. بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناؤ. کیا بات ہے. تو بیٹی پڑھنے سے صرف کانفیڈنٹ صرف مضبوط ہی نہیں بنتی, کانفیڈنٹ بھی بڑھتی ہے. بالکل, ہے نا. تو بھائی آپ بتائیں, آپ بڑی ہو کے کیا بننے والی ہیں؟
मैं आर्मी में जाऊंगी। ये आर्मी में जाएंगी तो डॉक्टर बनेंगी इसका मतलब। अच्छा तुम्हारे बहन भाई कितने? पांच। पांच, और पांचों के पांचों पढ़ते हैं कि नहीं? चार पढ़ते हैं, एक छोटी घर पे। एक छोटी, तो छोटी को तुमने कहना है ना अम्मी को, आप इसकी अम्मी है। हाँ जी जी, हाँ इंशाल्लाह इस साल इसका उसका भी एडमिशन इधर ही करवाऊंगी। अच्छा, आपको शौक है कि आपके बच्चे पढ़ें? माशाल्लाह से मेरी चार बेटियां और एक बेटा है, तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं अपनी बेटियों को, आगे बढ़ने का हौसला क्यों ना दूं मैं। हाँ, जब मिल रहा है मौका। आप खुद कितना पढ़ी हुई है? मैं खुद मैट्रिक किया हुआ मैंने। अच्छा चलिए, ये भी अच्छी बात है। आपकी आपकी ख्वाहिश थी कि आप मैट्रिक से आगे पढ़ पाए, थी आपकी इस वक्त? हाँ ख्वाहिश थी उस टाइम, लेकिन कुछ घर की मजबूरियां थी जिसकी वजह से नहीं कर सकते। नहीं, शादी हो गई जल्दी से, फिर बच्चे हो गए, फिर कैसे पढ़ाई करें। जी जी, फिर उसके बाद टाइम नहीं। आपको क्या बनने का शौक था? मुझे टीचर, टीचर बनने का शौक था। वो जो माँ ख्वाब देखती है ना कि मैं ये बनूं और वो नहीं कर पाती, वो अपना ख्वाब अपने बच्चों में पूरा। बिल्कुल ऐसा है ना, मैंने बहुत सारी ऐसी ख्वातीन देखी हैं। अब मैं जा रही ना घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा, 4:30 से 8 बजे तक बच्चों को घर में ट्यूशन, अपना शौक मैंने पूरा किया है। हाँ, और थोड़ी बहुत कमाई भी हो रही होगी ना, अल्लाह का शुक्र है अपना शौक पूरा किया है। हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपसे पूछना चाहूंगी मैं, आपके कितने बच्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी माशाल्लाह तीन बेटियां हैं। तीन बेटियां हैं जी, और तीनों पढ़ती हैं? जी तीनों इधर पढ़ती हैं, इधर ही टीसीएफ में। जी, तो आपको किसने मशवरा दिया? क्योंकि देखिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए तो मुझे टीसीएफ के बारे में पता चला, मुझे उससे पहले नहीं इतना अवेयरनेस थी। जी, नहीं तो फिर मैं तो बहुत सारे लोगों को मशवरा दे सकती। आपको किसने बताया टीसीएफ के बारे में? बहन के बच्चे पढ़ते थे, फिर उन्होंने मशवरा दिया। अच्छा जी। अच्छा, जब आप एडमिशन कराने आई तो कोई टेस्ट हुआ क्या? किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह एडमिशन हुआ? जी टेस्ट हुए थे इनके। अच्छा, वन क्लास से लेके यहीं पर पढ़ रही हैं, यहीं पर फर्स्ट क्लास में माशाल्लाह आ गई हैं, अच्छे पढ़ती हैं। तो टेस्ट में अच्छे नंबर ले आई है? जी। तो फिर आपको एडमिशन मिल गया? जी। आपका भी इंटरव्यू किया था, मिले थे? जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मोटरसाइकिलों की दुकान है। अच्छा, मोटरसाइकिल का काम करते हैं। जी जी। और वो कुछ पढ़े हुए हैं? जी। उन्होंने तो ऐतराज नहीं किया? बेटियों को खानदान वाले भी तो बोलते हैं ना, हाय अब तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओगी? नहीं नहीं, ऐसे भी बोलते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने उन्होंने मना नहीं। तो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी? मैं कोई कोई ऐसी खातून यहाँ है जिनको रोका हो किसी ने कि बेटियों को नहीं पढ़ाते हाथ से, मतलब ऐसे ऐसे मिथ्स होते हैं, बेटियां हाथ से निकल जाएंगी, तुम लोग जिससे रिश्ता कराना चाहोगे फिर उसमें भी ये मीन मिक्स निकालेंगी, बट लोग डर के भी नहीं आएंगी, तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगी, ऐसे मिथ्स बहुत हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे आपको कि बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ, कि भाई आपने कोई, सबके अपने घर का माहौल है, नौकरी करानी है कुछ, बेटी पढ़ाओ बेशक नौकरी में ना लगाओ मजबूत तो बनाओ। बिल्कुल, उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आएगा, उसको ये पता होगा कि मैंने अपने बच्चे की हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। अल्लाह खुदा ना खास्ता कितने सारे बच्चों की ऐसे डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी माओ को पता ही नहीं होता कि डायरिया हुआ है। अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसको सफेदी का पानी पिला पिला के वो घर में ही रखी हुई होती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेटियों के लिए, औरतों के लिए। जी वसीम, आपने कुछ किसी से सवाल करने? हाँ, मैं करके इस बच्ची से सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, तो आप कितने सालों से पढ़ रही हैं? आप फोर। चार जी। तो आपको किसने बताया कि भाई इस नाम का कोई स्कूल है, क्या कैसे है यहाँ पे? मेरी कजन ने बताया कि टीसीएफ स्कूल में, मतलब टीसीएफ स्कूल के बारे में। फिर आप यहाँ पर अम्मी के साथ आई? जी। और उसके बाद टेस्ट हुआ? अच्छा टेस्ट हुआ, वो टेस्ट पास किया आपने? जी। तो आपको पता है आपकी अम्मी की आंखों में मुझे अभी से चमक नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है, खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं, बल्कि माइक ने अम्मी के माइक ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक। दिल अंदर से जिस तरह उन्होंने कहा, एक कलेजा खुश होता है, दिल खुश होता है जब बच्ची को इस तरह पढ़ती देखती है तो। जी। माशाल्लाह। तो आपसे तो कोई सवाल इसलिए नहीं करना है कि आपकी आंखों में सारे जवाब जो है ना, और सारे ख्वाब सारे जवाब आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन सारे ख्वाबों को ताबीर तक पहुंचाए। बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अंदर की बात पूछ रही हूँ जरा से, जरा माहौल अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप दीदा हो रही हैं। ये थक हार के तो नहीं लेट जाती बिस्तर पे जाके घर पे, मैं बहुत पढ़ के आई हूँ थकी हुई हूँ, कोई हाथ बटाती है आपका घर में के नहीं? नहीं नहीं बटाती ना, ये बड़ा नखरा हो जाता है तुम लोगों के। ये पढ़ती रहती है ना, पढ़ती रहती है, ट्यूशन चली जाती है, वापस आती है, फिर देर हो जाती है। लेकिन अभी आज अम्मी से एक वादा कर लो, जितना टाइम 10 मिनट 20 मिनट थोड़ी देर ये अम्मी का हाथ बटाना है, जितनी देर आधा घंटा एक कैमरे, आधा घंटा आधा घंटा कैमरे के सामने, एक कैमरे
कैमरा के सामने प्रॉमिस हो गया हो गया प्रॉमिस बोलो प्रॉमिस हो गया भाई ये बात हो जबरदस्त अच्छा तो हम आगे की तरफ चलते हैं वो वैसे मेरे बच्चों का यही हाल होता है मेरा बेटा कहता है क्रिकेटर बनूंगा एक दिन मैच देखने का बहुत गर्मी थी उसे आपसे कहते हैं बाबा मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा मूड चेंज हो गया बड़ी गर्मी वो भी गर्मी देख के कह रही होश नहीं बन सकती मैं ही रहूंगी मैं जो हूं ना जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि जो घर की मेड है उनको इतनी तनख्वाहें मिलती हैं मुझे लगता था मैं बड़े होके मुझे झाड़ू लगाने का इतना शौक मैं बड़ी होके मेड बनूंगी फिर थोड़ी और बड़ी हुई लगता है यार टीचर की कितनी लय होती है कितनी वाह वाह होती है हर कोई उसे सलाम करता था मस्के मारने मैं बड़े होके टीचर बनूंगी तो लाइक अगर आप अपने आप को भी टटोलते हैं ना तो आपको ये लगता है कि आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते रहते हैं और वो चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं आप पढ़ रहे आपको शऊर आ रहा होता है आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं इसलिए तो हम कहते हैं इसलिए बल्कि लाइफ बॉय शैम्पू कह रहा है बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ जी तो बेटी क्या बनेंगी तो आप मॉनिटर भी है वैसे मॉनिटर भी है ओहो नेल्स चेक करोगी क्या तुम्हारे क्या ड्यूटी होती है वैसे मॉनिटर की ड्यूटी मेरी आउटडोर खड़े पकड़ लो मॉनिटर आउटडोर देखना बच्चों को क्लास में लेके आना सबको क्लास का बोर्ड मेंटेन करना क्लास को साफ रखना अल्लाह वैसे पता है सच्ची बात मैं बताऊँ बचपन में मुझे भी मॉनिटर बनने का बहुत शौक था मगर मेरी सारे जो लंच टाइम था वो बच्चों को कंट्रोल करने में निकल जाता था मैंने कहा ओ माय और सुबह सुबह कोई शरारत ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें खुद लोगों के नेल चेक करने पड़ते थे बाल सही बने हैं कि नहीं तो मॉनिटर बनना अच्छा तो बहुत लगता है बेटा लेकिन जब बन जाते थे मुझे भी बहुत ही शौक था मैं बड़ी आरजुओं के बाद मॉनिटर बन गया और उसके दो हफ्ते बाद मैंने रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया उसकी वजह ये थी कि सारे बच्चे दोस्त हैं टीचर कहती थी जो शोर मचा उसका नाम लिखो शोर मचता था क्लास में नाम में लिखता नहीं था जैसे कि सारे दोस्त हैं मैं कहूँ ये तो बड़ा खतरनाक काम है तो मैं मुस्ताफी हो गया अपने वही तो मैं कहती हूँ मॉनिटर बनने में इतनी सबको फखर महसूस होता है सारा लंच टाइम तो बेचारे कंट्रोलिंग में लगे रहते खाते कब है तो आप क्या बन रही है बड़े होके डॉक्टर डॉक्टर कौन सी वाली डॉक्टर बनने का शौक है दिल का डॉक्टर गुर्दे का डॉक्टर कौन सा डॉक्टर बनना है आपने डॉक्टर बस डॉक्टर बनना ही अभी ये नहीं सोचा कि कौन स्पेशलाइज किस में करना है ये नहीं सोचा क्या अच्छी लगती है बात डॉक्टर्स की डॉक्टर्स की वो सबकी केयरिंग करते हैं सब क्या करते हैं तो ये वाकई असल में केयरिंग है ये खुद इनकी नेचर है इनकी अम्मा से आप इनकी अम्मी है जी हाँ मैं तो खुद इतनी छोटी सी है बचपन में शादी हो गई क्या छह बच्चे हैं मेरे अरे बाप रे इतनी पतली फिर भी माशाल्लाह क्या आपसे बड़ी है क्या आप भी कीटो करती हैं ये सबसे बड़ी है माशाल्लाह से इनकी तीन बहनें और हैं और दो भाई और हैं सब पढ़ते हैं दो छोटे हैं अभी वो घर पर हैं के जो सबसे छोटी बेटी है मेरी उसका एडमिशन इस साल करा दूंगी मैं अरे वाह और बहुत ही माशाल्लाह से कह रहे हैं यानी कि घर पे आने के बाद स्कूल से भी ये नहीं कभी कहती कि हम ये काम नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे हाँ। एक दिन तो पता चला ये लेट हो रही थी हाँ। तो इसकी बहनों को मैं लेने आई मैं लेकर गई तो घर आने के बाद उन्होंने एक जुमला था मम्मा आज अजीब सा लग रहा है बहन हाँ। हमारे साथ हमारे घर नहीं आई मैंने बोला तुम लोग लड़ते हो ना आपस में तो वो नहीं कहती है नहीं मम्मा हम एक साथ पढ़ते हैं एक दूसरे को समझाते हैं कि अगर हम लड़कियां भी हैं हाँ। तो हम हैं कुछ बहुत बड़ी बात ये शऊर देती है एजुकेशन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में जब चीजें इतनी डिफिकल्ट हो गई हैं पेरेंट्स के लिए दो बच्चों के साथ भी माशाल्लाह चार पांच बच्चे हों तो उनके साथ भी मुश्किल है तो टीसीएफ जैसे स्कूल कितना हेल्प करता है पेरेंट्स ये बहुत हेल्पिंग है ये बहुत हेल्पिंग है एज अ मदर मैं एक बात कहूंगी क्यों क्योंकि अभी आपने एक सवाल किया था ना कि कोई ऐसी माँ हो कि जिनको रोका गया हो बेटियों को ना पढ़ाओ मैं वो एक माँ हूँ अल्लाह इनके जो वालिद हैं उन्होंने बाकायदा रोका नहीं इनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो उर्दू पढ़ाओ नहीं मदरसे डाल दो बेटियां हैं कल को जाके इन्होंने रोटी पकानी है बच्चे पैदा करने हैं ये मैं खुद लड़ी मैंने बोला भले मेरी एक छोटी एज में शादी हो गई पर मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ मैं इनको अपने से अच्छा क्यों ना बनाऊं मैं फर्स्ट ईयर में थी प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी व्हेन आई गॉट मैरिड ओह माय गॉड आई वाज 16 इयर्स आपका खास था डॉक्टर बनना जो कि ट्रांसफर हुआ आपकी बेटी में एग्जैक्टली मैं अपने बच्चों को सबको पढ़ाती हूँ यानी कि ये लोग पढ़ाई को मैंने इनको किस तरीके से बताया पढ़ोगे तो आगे जाके कुछ बनोगे दुनिया में एक वक्त जब मकाम आएगा एक एज पे पहुंचोगे बनी होगी क्योंकि ने एज तो कुछ कह सकते हो कि हाँ हम कुछ बने हैं मुझे बहुत अच्छी लगी थैंक यू इसके लिए तो मैं एक बात ये कहती हूँ कि ये जो है ये कहती है
ममा मैं वो बन के दिखाऊंगी जो किसी की सोच होगी. कॉन्फिडेंस माशाल्लाह इंशाल्लाह. ये बहुत वो करती है. और हाँ सेंसिटिव बहुत होती हैं लड़कियाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं. पल भर नहीं लगता इसकी आंखों में आंसू आने में. लेकिन मैं कहती हूँ ये चीज जो है ना यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है. इसको क्यों ना हम स्ट्रेंथ बनाए. इस कमजोरी को हम स्ट्रेंथ बनाएंगे और स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब हम पढ़ेंगे. तो लाइफ और शैम्पू की तरह हम सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बनाई भी स्ट्रेंथ जैसे मजबूत बनाओ. छोटे से वक्फे के बाद आइए, आपको और बहुत कुछ दिखाना है. पूरा शो आपके लिए है. देखिए सीखिए समझिए. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक खास शो आज जिसे करते हुए खुद इतना सुकून और तस्कीन मिल रही है. अल्लाह करे ये बातें जो हम सब कर रहे हैं आपके दिल में उतर जाएं और वो लोग जिनकी जिंदगियां कुछ उस माँ जैसी हैं जिसकी 6 बेटियां, जिसकी 4 बेटियां उसने TCF में पढ़ाई हैं और जो मुश्किलात उसे पेश आई कि उसके अपने हस्बैंड ने कहा कि क्या जरूरत है बेटियों को पढ़ाने की. तो काश हमारी बातें उन लोगों के दिल में उतर जाएं जो माएं खुद स्टैंड नहीं ले सकती अपनी बेटियों के लिए. एक्चुअली लेना स्टैंड माओ आपने ही है, कोई और नहीं खड़ा होगा आपकी बेटी के लिए. आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा कि बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ. मैं वसीम और तहरीम आपको, आप तो खैर जानते ही होंगे, मेरे सामने 2 ऐसी खवातीन बैठी हैं जो कि एक रोल मॉडल है मेरे लिए, TCF स्कूल के लिए और यहाँ पढ़ने वाली सारी बच्चियों के लिए. जैतून जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरार है माशाल्लाह से, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम TCF से. जबरदस्त, वाओ, तालियां यार. यानी इन लोगों का फ्यूचर यहाँ बैठा हुआ है. यस. और मेरे साथ है अनम जुल्फिकार जो कि अब तैयारी में है CSS के एग्जाम्स. क्या बात, कुछ पता नहीं भाई हम इनसे सोर्स लगवाने जा रहे हो कहीं से भाई फाइल पास करा दें. हाँ ये भी TCF स्कूल से पढ़ी. क्या बात है. हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तालीम आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है. जो आप ख्वाब देखते हैं और कहते हैं खुद ही झाड़ देते हैं, नहीं 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 ये तो पूरे नहीं हो सकते, कहाँ पूरे होंगे, वो ख्वाब आपके तालीम पूरे कर सकती है. तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपकी मेहनत पे दुनिया कायम है. जी सबसे पहले जैतून आपसे शुरू करें बात करना. कैसी हैं, ठीक है? अब तो बड़ा रोब होगा आपका कॉलेज में, लेक्चरार साहिबा आ रही हैं, सारे स्टूडेंट्स डरते हैं या फ्रेंडली हैं आपसे? नहीं मैं डराने वाली नहीं हूँ. अच्छा, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बच्चों को लेके चलती हूँ. कितने अरसे तक आप TCF से पढ़ी हैं? मैं TCF में ग्रेड 8 टू मैट्रिक तक पढ़ी हूँ. अच्छा, यहाँ से आपने, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँची? लाइक 8वीं जमात से पहले आप कहाँ पढ़ती थी? 8वीं जमात तक ये कि शुरू में 5वीं तक हमारे इलाके में सिंधी मीडियम स्कूल था, सरकारी था. अच्छा, उसके बाद फिर एक क्लास मैंने प्राइवेट में अम्मी ने लगा दी क्योंकि वो प्राइमरी ही था. लेकिन ये हुआ कि बहुत मुश्किलात हुई, उसकी जो फीस थी वो हम पे नहीं कर सके. वालिद साहब मेरे पढ़ाने के हक में ही नहीं थे तो उन्होंने तालीम के लिए हमारे कभी कोई पैसा नहीं दिया. इजाज़त कैसे ली, वालिद साहब को तैयार कैसे किया? वालिद साहब को तैयार करने के लिए असल में मेरी अम्मा वालिदा ने बहुत मेहनत की, वो मेरे लिए लड़ती थी उनसे. तो मेरे ख्याल से ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वरना 5वीं तक पढ़कर बाकी जो मेरे घर वाले थे जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे या इधर उधर इर्द गिर्द के, वो बैठ जाते थे, नहीं पढ़ते थे आगे. तो मुझे अम्मा ने प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया था. अच्छा, उसके बाद अम्मा भी कमाती थी, अबू भी कमाते थे, दोनों काम करते थे? नहीं, मेरे वालिद साहब जो है से एक चॉकलेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे. लेकिन अच्छा, वालिदा क्योंकि बलूच घराने से मेरा ताल्लुक है, औरतों के कमाने का कोई तस्वर नहीं था, वो घर के काम किया करती. अच्छा अच्छा, पढ़ाई वगैरह किया करती थी. तो क्या अबू से पैसे बचा बचा के, आपके अबू से पैसे बचा बचा के उन्होंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया? जी, इसी तरह के बगैर बताए. और वालिद साहब को पता तो खैर चल जाता था कि पैसे तो उन्हीं के जा रहे हैं. शायद वालिद साहब भी ना अंदर से चाह रहे होंगे कि मेरी बेटी पढ़े, मगर खानदान की वजह से कभी कभार वो नहीं ले पाते स्टेप. तो वो कहते हैं अच्छा
آپ ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں. نہیں, اصل میں میرے سلسلے میں یہ رائے کہ وہ حق میں تو نہیں تھے, لیکن بہرحال انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب وہ مجھے اسکول جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو تب انہیں یاد آتا تھا غصہ کرنا اس چیز کا جو پیسے. اور وہ سارا غصہ آپ کی امی بھگتتی ہوں گی؟ وہ غصہ میری امی ہی بھگتتی تھیں. بعض اوقات یہ ہوتا کہ صبح میں تیار ہوتی تھی ٹی سی ایف میں بھی, جب میں آٹھویں میں تھی, میں اسکول جانے کے لیے جب تیار ہوتی تھی تو اچانک اماں ابا کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. تو ایسا جو ہے کئی دفعہ ہوا, لیکن اس کے باوجود میری والدہ نے ساری محنت کی اور انہوں نے ہمیشہ وہ لڑائی کی اور میری پڑھائی کا سلسلہ رکنے نہیں دیا. تو یہ کہ پھر سرکاری اسکول میں میں چلی گئی تھی, پرائیویٹ جو نہیں کر سکی میں, اور فیل بھی ہو گئی تھی, فیس نہیں ہوتی تھی, میں چھٹی بھی کرتی تھی. پھر یہ ہوا کہ کچھ سال سرکاری اسکول میں پڑھے جو کافی دور تھا, جہاں جانے میں بہت تکلیف تھی, وین کا خرچہ بھی نہیں نکل پایا تھا. تو یہاں کا مشورہ کس نے دیا؟ پھر والدہ نے ہی, میری پڑوس میں آتی جاتی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ ٹی سی ایف نام کا کوئی اسکول کھلا ہے اور اس کی بہت اچھی عمارت ہے اور بہت ہی اچھا اسکول ہے. وہ کچھ جانتی تو نہیں تھی, وہ پڑوسیوں سے سنتی تھی کہ انگریزوں نے آ کے ہمارے یہاں اسکول بنایا ہے. اچھا, کوئی اچھا کام کیا تو وہ انگریزوں نے کر دیا, یہی کیا بات ہوئی. تو این جی او کا کوئی تصور تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے, تو سرکاری نہیں تھا وہ جانتے تھے. تو یہ بہت فنی چیز ہے ویسے, یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ٹی سی ایف اسکول کسی انگریز نے بنایا. اچھا, پھر آپ یہاں آئیں جی, پھر آپ کا پرسیپشن چینج ہو گیا کہ مطلب آپ لیکچرار بن گئی, ایک لیول اپ چلی گئی جی. پھر ابا نے کیا کیا؟ ابا نے جو ہے مخالفت ہمیشہ اپنی جاری رکھی, کبھی اس میں حق میں ہمارے نہیں ہوئے. لیکن والدہ نے, یہ میں بتانا ضروری سمجھوں گی, کہ جب انہوں نے اسکول کا سنا تھا تو ابھی ہم سے بات کیے بغیر وہ خود ہی اسکول چلی گئی تھیں ٹی سی ایف, کیونکہ دور نہیں تھا, وہ خود چلی. وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. انہوں نے جا کے پرنسپل سے بات کی اور وہ بہت ہی اچھی خاتون تھیں, ماشاء اللہ بہت کوالیفائڈ تھیں. انہوں نے جب والدہ نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور سرکاری اسکول دور ہے, یہ مسائل ہیں, تو انہوں نے بہت انکریج کیا امی کو کہ آپ کی اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیے میرے پاس, میں ضرور انہیں جو ہے داخلہ کرواؤں گی. اور مجھے یاد ہے میری بہت اچھی کوئی پڑھائی نہیں ہوئی تھی, تو ٹیسٹ انہوں نے لیا تھا جو میرا بہت اچھا نہیں گیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے اسکول میں رکھ لیا تھا. وہ شوق دیکھ رہی تھی جو میری امی کو یا مجھے پڑھنے کے لیے تھا. تو اس طرح سے میٹرک میں نے وہاں سے کیا. میتھس میرا برا تھا, لیکن ٹی سی ایف کی ٹیچرس کی بدولت, انہوں نے ٹی سی ایف کی ٹیچرس نے, وہ مختلف تھیں, میں دوسرے ماحول سے پڑھتی ہوئی آ رہی تھی دوسرے اسکولوں کے, تو سرکاری اسکول میں جب میں تھی. کیا آپ کو کیا مختلف لگ رہا تھا اس اسکول سے دوسرے اسکولس کا, کہ وہ ٹیچرس کیا ایسا انہوں نے آپ کے اندر جگایا؟ وہ ایسا تھا کہ سرکاری اسکول کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 70-60 بچے, اور ہماری کلاس میں بھی 65-60 کے قریب بچے تھے. میں سب سے پیچھے جا کے بیٹھتی تھی, تو خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اور مجھے پیچھے, اور ٹیچرس سے تو مجھے بہت ہی ڈر لگتا تھا, مجھے بہت ہی خوفناک چیز لگتی تھی ٹیچرس. تو وہاں پر میں بیٹھتی تھی, پورے سال مجھے کسی ٹیچر نے نہیں کہا کہ تمہاری کاپی چیک ہے, تمہارا نام کیا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہاں یہ ہوتا تھا میں, مجھے پرسنلی, ہم اسکول نیا کھلا تھا کیمپس, ہم آٹھویں کلاس میں 17 بچے تھے, تو ٹیچرز جب پہلی دفعہ میں ٹی سی ایف کے ماحول میں گئی اور ٹیچرز نے مجھ سے پوچھا, میرا نام پوچھا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں خاص طور پہ, جب مجھ سے یہ پوچھا تو ایک ویژن سا, اور سب کی میں نے ڈسکشن دیکھی وہاں پہ, سب نے کہا, ایک نے ڈاکٹر, ایک نے یہ کہا, تو مجھے واقعی ایک ویژن ملا, زندگی میں کچھ بنتے بھی ہیں, یہ جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں ایک چیز بننا بھی ہے. تو یہاں سے, اور ٹیچرز اپنی بات کرتی کہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میں نے یہ پڑھا ہے, یہ سب باتیں میرے لیے بالکل نہیں تھی. اور ٹیچرز سے جو انٹریکشن ہو رہا, یہ تو میرے لیے کسی اعزاز کی بات تھی کہ اتنے اچھے کپڑے پہننے والی, اتنی اچھی اچھی ٹیچرز جو ہیں وہ مجھ سے بات کر رہی. اس کا مطلب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا دوست ہونا بڑا ضروری ہے اچھی پڑھائی کے لیے, اچھی ایجوکیشن کے لیے. They are the leaders. Yes. Lead کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. نویا, تم نے کیا بننا ہے بڑا ہو کے ہیں بھائی؟ تم وہ اس بات کے علاوہ جو تم نے بولا کہ میں بنوں گی, پھر بھی کچھ سوچ تو ہوگی نویا کی. ابھی ٹائم نہیں آیا تو ابھی کیوں سوچوں. یار کتنی میچور بات ہے یہ, ہم تو ایویں ہی ہانک رہے ہوتے تھے ہم نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے. Yes. ابھی ٹائم نہیں, because you never know what you're going to be in the future. My goodness. نویا, میرا بھی ٹائم نہیں آیا ابھی تک, تم دونوں
We are on the same boat. चलो परी आप अम्मी का ख्वाहिश अम्मी की ख्वाहिश पूछ लेते हैं कुछ अम्मा अब्बा की भी तो ख्वाहिश होती है ना हाँ जी तहरीम आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी क्या बने पढ़ लिख मैं चाहती हूँ ये जो भी बने सबसे पहले इंसान अच्छी बने क्योंकि आप बहुत सारे डॉक्टर्स देखते हैं जो डॉक्टर तो होते हैं लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं होते साइंटिस्ट तो होते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं होते सो मेरा जो बेसिक जिम्मेदारी है वो ये कि मैं इनकी तरबियत अच्छी कर सकूँ स्कूलों के लिए हम हर इंसान अपनी बसात के मुताबिक अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराता है बट आई थिंक तरबियत ऐसी है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती वो आप खुद दे रहे होते हैं बच्चे को और वो तरबियत आप तभी दे सकते हैं ना जब आप खुद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लाइक पढ़ी लिखी नहीं हो सकी लेकिन बहुत अच्छी तरबियत अपनी औलाद को दे रही होती है तो वो पता है आपको क्या करती हैं जैसे मेरी अम्मी बताती हैं मेरी नानी पाँचवीं जमात तक पढ़ी नहीं थी मगर मेरे नाना जो है घर में पूरे कुनबे को बिठा के ना किताबें पढ़ा करते थे और वो किताबें मेरी नानी के दिमाग में भी जारी होती थी वो सारी बातें तो तरबियत तो ज़ाहिर है माँ ने ही करनी होती है तो वो वाली चीज़ है कि जो स्कूल नहीं जा सकते तो वो अगर घर से ही उनको तालीम कहीं से मिल जाए तो शायद वो तरबियत उनकी जनरेशन को तरबियत देने में आसानी पैदा कर इससे पहले निदा के आगे बढ़ो मुझे टीसीएफ की जो बात सबसे अच्छी लगी मैंने रमज़ान में भी इनके साथ कुछ शोज़ किए वो ये कि ये सिर्फ बच्चे को पढ़ाते नहीं है बच्चे को तालीम ही देते जब बच्चा इनके स्कूल से पास आउट करके चला जाता है ये उसके बाद भी उस बच्चे के साथ इन टच रहते हैं कनेक्शन कनेक्टेड बच्चे उस वक्त भी उसके बाद भी कनेक्टेड रहते हैं और ये उसके बाद भी उनको गाइडलाइंस देते रहते हैं जो कि हमारे ख्याल से किसी भी बड़े स्कूल में भी नहीं होता आप जब तक स्कूल का हिस्सा है कॉलेज का हिस्सा है इंस्टीट्यूट का हिस्सा है तब तक आप उनके साथ हैं ऐसा नहीं होता कि आप वापस जाओ और आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं एडवाइस ले रहे हैं और वो आपको एडवाइस दे रहे हैं आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये हकीकत है अनम मेरे साथ यहाँ बैठी हैं अनम जुल्फिकार सी एस एस की तैयारी कर रही हैं एग्जाम्स देने की तैयारी क्या भाई क्या इरादे हैं अनम सी एस एस तो मेरा करने का एक पूरा मकसद मैं हमेशा हर चीज़ प्लान करती हूँ क्योंकि शुरू से अम्मा हमारी जो है वो मेरे साथ थी हर चीज़ में स्कूल टी सी एफ में इस तरह से आई मैं कि जो मेरे स्कूल की बिल्डिंग थी पहले वाली वो रेंटेड थी और उसमें कुछ इश्यू हुआ तो बीच ईयर में ही एनुअल ख़त्म होने में मेरे ख्याल से 2 महीने बाकी थे तो सब स्टूडेंट्स को बोला कि आप मतलब किसी और स्कूल में देखें तो किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था तो बिल्कुल वॉल जो थी ना दोनों स्कूल की सेम थी टी सी एफ और जो मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी इवन हम कभी कभी विंडो से वहाँ झांकते भी थे कि झूले लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे से और खेल रहे हैं और वैन आके खड़ी हुई हैं तो फिर अम्मा जो है ना वहाँ पर गई एडमिशन के लिए तो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि भाई अभी तो ईयर ख़त्म होने वाला है आप नेक्स्ट ईयर में आइएगा मैंने कहा इसने पढ़ा हुआ है अच्छी है पढ़ने में और ना आप लें एडमिशन तो कवर कर लेगी कह रही नहीं हमारा सिलेबस जो है जो हमारा क्लास डिज़ाइनिंग होती है और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं और मतलब उन्होंने काफ़ी फिर अम्मा ने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा चले ठीक है और फिर मेरे लिए एक परमिशन लेटर भी आया था कि भाई हाँ चले अगर कोई ट्राई करना चाह रहा है तो आप रख ले फेल हो गई तो फिर दोबारा पढ़ लेगी नेक्स्ट ईयर कोई मसला थोड़ी है तो उस मतलब उन 2 मंथ्स में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास टीचर्स के लिए तो टीचर्स को बहुत अच्छा लगा उसके बाद से मतलब टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा मैडम के साथ ऐसा होता था कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो केजी नर्सरी और 1 की क्लास की जो टीचर्स थी कुछ सब्जेक्ट्स की वो चली गई थी तो मैडम मुझे 4th क्लास में थी मैं तो मैडम मुझे नीचे पढ़ाने के लिए भेजती थी कि ये कवर कर लेगी तो इसे बच्चों को नीचे पढ़ाने के लिए भेज देते हैं तो ये पढ़ा कर जैसे वो उनके जो स्लॉट्स हैं वो फ्री ना जाए मैं इसको फिर यहाँ से उस वक्त तक के कुछ नहीं पता था कि आगे सी एस एस लेकिन तो तुम्हारे जैसे इनके साथ प्रॉब्लम थी इनके अब्बू को इतना पसंद नहीं था कि पढ़े तुम्हारे साथ क्या सीन था अब्बा शुरू से बस उनका काम और काम में ध्यान था वो हम लोगों को नहीं देखते थे और अम्मा जो है अम्मा और हमारी पूरी फैमिली में अब्बू क्या करते थे कोई रुझान नहीं है बाबा जो है वो ब्रास का हैंडीक्राफ्ट जो बनता है अच्छा बहुत बड़े बड़े से फानूस टाइप के भी और डिजाइन और वो सब चीजें बनाते हैं ना तो बाबा बड़े मसरूफ रहते थे उन्होंने हम पे शुरू से ही इतना भाइयों पर भी नहीं मुझ पर भी नहीं
अम्मी के हाथ में ही थी तुम लोगों की डोर, बस हम लोग अम्मी और मैं शुरू से फर्स्ट आती थी तो अम्मा हर फंक्शन में अटेंड करने जाती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जो है अम्मा का मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, और फिर हमें पढ़ाना शाम में, बताना कि भाई किताबें निकालो और अब्बा के आने से पहले तैयार होना और ये वो सब चीज़ें। लेकिन अब्बा का इतना था नहीं, और अब्बा मेरे थे बड़े स्ट्रिक्ट मेरे मामले में, हम लोगों से प्यार बहुत करते थे, हर चीज़ ला कर देना, लेकिन वो स्ट्रिक्ट बहुत थे, इवन इतने स्ट्रिक्ट थे कि मुझे ज़ोर से हंसने को भी मना करते थे कि लड़कियों को, लड़कियों की आवाज़ घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, मतलब उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी मुझ पर पड़ा कि मैं इतनी बहुत ज़्यादा, जैसे एक आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप किसी के सामने अपनी बात नहीं कर सकते, और अब आप पूरी दुनिया के सामने कर रही हैं अपनी बात माशाल्लाह। ये मेरी अम्मा की बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरे साथ कि, और TCF आपकी अम्मी एजुकेटेड हैं, मेरी अम्मा जो है ना हमारे पूरे खानदान की लड़कियाँ ना बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, लेकिन उनको कोई पढ़ने नहीं देता। अल्लाह, अम्मा भी अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी तो नाना ने बस उनको वो 5 तक की जो एक फैशन पहले दौर का था बस उतना ही पढ़ाया, और उसके बाद जो है फिर शादी हो गई। कुछ लड़कियों से मैं मिलती हूँ जो आपको इर्द गिर्द मिलती हैं बहुत सारी, और इतनी जहीन वो होती हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ यार अगर तुम पढ़ी हुई होती तो तुम पता नहीं कहाँ होती, वो बगैर पढ़े इतनी जहीन होती हैं। जब कोई लड़की मेरे साथ काम भी कर रही होती है, मुझे असिस्ट भी कर रही होती है और वो घर में, तो वो अगर मैं कहती हूँ यार तुम कितनी जहीन हो, अगर तुम तो पढ़ी लिखी होती तो तुम डॉक्टर्स को बीट कर देती, तुम मार्केटिंग हेड्स को बीट कर देती। तो वो जहानत भरी पड़ी है, सिर्फ एक सिम्त की ज़रूरत है, एक ऐसे रास्ते की उनको मंजिल दिखाने की ज़रूरत है कि देखो एजुकेशन कभी रायगा नहीं जाए। ऑब्वियसली एक बार आई एम श्योर कि आप भी सही करेंगे कि अगर ये लोग अपनी स्टोरी बता रही है कि जनाब मेरे फादर को ये पसंद नहीं था, मेरे फादर को पसंद था, फिर भी अगर इन्होंने पढ़ा है तो खुदा ना खासा मतलब ये नहीं है कि ये कोई अपने बाप की नाफरमान औलाद बन गई है, मतलब ये ना कोई इंप्रेशन लेके जनाब अगर इन चीजों की हौसला अफजाई करेंगे तो बागी हो जाएंगी लड़कियां। यस, आपकी तालीम आपका पैदाइशी हक है और आपको ये हासिल करना चाहिए, आप अपनी लिमिट्स ना क्रॉस करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी ना करें, गलत काम ना करें, तो तालीम आप उनसे कोई बातों पर डिसएग्री करते हुए भी रिस्पेक्ट में कोई फर्क ना लाए, और आई एम श्योर आप सब इससे एग्री करेंगी ताकि कोई इसमें ये भी ना इससे मतलब ले, बल्कि और हौसला अफजाई हो। ये तालीम ये शोर भी देती है कि अगर आपको अपने माँ बाप से भी किसी बात पर इख्तलाफ भी है तो आपने अपनी समझ बना ली है, लेकिन उनके एहतराम पर आपको कोई फर्क नहीं लाए, उतनी इज्जत उतना ही एहतराम। और वो वाली चीज है ना, मैं तो मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिस बच्ची को खुद बाप छोड़ने आते हैं ना पढ़ने के लिए, फिर इसकी उसकी इज्जत वो यहाँ रखती है कि मेरे बाप ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मेरा बाप मुझे पढ़ने पढ़ाई के लिए आया है, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे बाप की इज्जत खराब। तो मैं उन बापों को यही कहूंगी अगर वो हमारा शो देख रहे हैं कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी होता है बच्चियों का घर बर्बाद हो जाता है, नहीं उनकी शादी चल पाती, तो बाप ही सबसे ज्यादा दुखी होकर बैठा हुआ होता है। तो मैं सिर्फ उन बापों को ये कहूंगी कि अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी हुई होगी, तो आपको इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं, अपने आप को ऐसे कि अब क्या होगा, जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी नहीं खत्म होती, खुदा ताला ने हमारे लिए बहुत सोच के रखा है कि हमारी जिंदगी कैसे चलनी है, मगर उसने ये नहीं कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो कहते हैं ना मतलब कि पढ़ने के लिए चीन तक जाना पड़े, ये तो है जी, और जी। हमने मतलब लाइक बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ, मैं तो यही कहूंगी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लाइफ और शैम्पू कह रहा है, एयर वाई कह रहा है, और आप भी कहना शुरू कर दें, बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं TCF स्कूल से, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वसीम बदामी, तहरीम, नोया और अस्पंदियार साहब, और बहुत सारी प्यारी प्यारी खूबसूरत बच्चियाँ जो यहाँ तालीम हासिल करी हैं अपनी माओ के साथ। तो बात हो रही जब मजबूती की, बच्चों की जड़ें मजबूत होंगी उनकी एजुकेशन से, खासतौर पे बेटियों को मजबूत बनाएंगे उनकी पढ़ाई से, तो क्यों ना कुछ ऐसा मजबूती का मुकाबला कराया जाए, देखते हैं कि इस मामले में कौन कितना मजबूत है। अब मैं वो मुकाबला आप लोगों से करवाना चाह रही हूँ
कुछ बेटियाँ होंगी, कुछ माएँ होंगी, और माओ ने बेटियों की चोटियाँ बनाई हैं कस कस के. देखते हैं अब यहाँ कौन कितना मजबूत है, है ना. माओ का काम क्या होता है, चलो चलो मैं तुम्हारा तेल लगाऊँ, चलो चलो तुम्हारे बाल लंबे करूँ. जिस लंबे बालों वाली लड़की से पूछो कि तुम्हारे तुम क्या यूज़ करती हो, मेरी अम्मी ने बहुत तेल लगाए, बहुत अच्छे अच्छे शैम्पू इस्तेमाल किए, खुद बना बना के लगाए. तो सब अपनी बालों की मजबूती का क्रेडिट भी अपनी माओ को देती हैं बच्चियाँ. देखते हैं कि यह मजबूती में कौन जीतता है. आइए जी. जी तो यहां मेरे पास हैं माएं और उनकी बेटियां और उनके मजबूत बाल. देखना यह कि कौन माँ कितनी क्रिएटिविटी से और कितनी जल्दी अपनी बेटी के खूबसूरत बाल बना पाती. रेडी है आप लोग? रेडी, गेट सेट, गो. चले जी. तहरीम तुम इधर आओ ना जरा. माशाल्लाह नोया, तुम्हारे भी तो कितने अच्छे बाल हैं. नोया हर रोज नया स्टाइल लेके आती है. आज डच ब्रेड बना दें, आज पोनी बना दें. अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो अम्मी कहती थी बेटा बाल बंद करो, तुम्हारे खुले बाल देख के ना मेरा दिल घबरा रहा है. तो मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे खुले बालों से मेरी माँ का दिल कैसे घबरा सकता है. अब मैं कहती हूँ हाँ, माँ का दिल घबराता है जब बच्चों के बाल खुले हुए होते हैं. तो ये नया के साथ यही होता है, मैं बाल बांधती नहीं है. बहुत मुश्किल होता है इनके बाल बनवाना. अब ये जो ट्विस्ट करवाए हैं ये भी हमने बड़ी मुश्किल से करवाए हैं. अच्छा, आपको पता है जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं परांदे बना के ना बालों के साथ परांदे बांध के टाइट और दो चुटिया यूं करके ना रिबन लगा के बांध के जाती थी यूनिवर्सिटी कॉलेज तक. और मेरा सब मेरी क्लास वाले उस मजाक उड़ाती थी रेड रिबन लगा के आ जाती हूं. और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती थी जिनको कभी बाल नहीं बांधने आते. उसमें हमारी एक बहन थी, उन्होंने बीए किया, बीए तक उनको बाल नहीं बांधने आते थे. वो अम्मी को दीन से उठाती थी सुबह, मेरी चुटिया बना दे. ऊपर से उनकी एक चुटिया बनती थी और फिर नीचे से एक चुटिया बनती थी. और वो एक रोज का हमारा रिचुअल होता था जिसमें हमारी लड़ाई होती थी क्योंकि अम्मी ने कभी मेरे बाल नहीं बांधे. और वो तेल लगाना, मालिश करना, टाइट चुटिया बनाना, चेकिंग होती है. हाँ ना, देखो जरा बहुत जरूरी है भाई. जी ये तो अम्मा ऐसे बाल बना रही है जैसे बड़ी प्रैक्टिस. और है भी बच्ची के बाल लंबे माशाल्लाह. है ना, बड़ी प्रैक्टिस. सुबह सुबह जो कुछ बच्चियां स्कूल में देखी जाती हैं कि कुछ ऐसे ही आ जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चियां अपने बाल इतने प्यारे बना के आती हैं तो वो नजर आ रहा होता है कि उनकी अम्मा ने उनको तैयार करके भेजा. ये बड़ा काउंट करता है आपकी नीटनेस, आप कैसे आ रहे हैं. और फिर आप अपने टीचर्स के चहीते हो जाते हैं, अच्छे बाल बंधे हुए, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए. सफाई से आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो अलग नजर आती है सबसे. हाँ भाई, कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से वो जीत गई. जीत गई. ओहो, अच्छा जीत तो आप गई हैं, लेकिन मैंने प्राइस सबके लिए रखा है. जरा दिखाएं सर कैसे बनाए. हाँ, दो चुटिया बनाई ऐसे ही आती है स्कूल में है. और वो क्या करें, उनकी बच्ची के बाल इतने लंबे हैं बेचारी. डबल है, वो बना चुकी है लेकिन वो फुल लगी हुई है. भाई सुने, ये कैसे हुए आपकी बेटी के बाल इतने लंबे, कैसे, क्या इसका तरीकेकार है? बहुत मेहनत की यार. माँ हर चीज पे मेहनत कर रही होती है. पढ़ाई मेरी अम्मी का हाथ है, बाल मेरी अम्मी का हाथ है, खाना पकाना मेरी अम्मी का हाथ है, मेरी अम्मी का हाथ है. पढ़ाएंगी मैं आपके पास, आगे आपकी नस्लें इसी तरह आगे बढ़ती जाएंगी. और अच्छी माएं अच्छी होंगी तो बेटियां भी अच्छी होंगी. बिल्कुल, कहते ना हमेशा, कहते रिश्ता देखो, दिल लेने जाओ तो पहले माँ को देखो. ये बड़े बड़े बुढ़े, बिल्कुल ये सही बात है, है ना. मैं से एग्री करती हूँ. तो जी अब मैं आप तीनों को गिफ्ट दे रही हूँ. आप तीनों की बाल बन चुके हैं जी. तो अब ये वाले जो गिफ्ट हैं, गिफ्ट हैम्पर्स, ये मैं आपको दे रही हूँ. और इसके अंदर जो चीज़ें वो आपके बेटियों के बालों को बनाने और मजबूत बनाने में मदद करेगी. ये लीजिए, ये आपका सपोर्ट सिस्टम. वेलकम. जी और अब एक ऐसा मुकाबला कराने जा रही हूँ, बड़ा टची सा. बेटियाँ अपनी माँ को कुछ कहना चाहती हैं और अगर वो खत के जरिए हो पूरी दुनिया के सामने तो कैसा रहेगा. तो यहाँ मुझे तीन बेटियाँ चाहिए जो अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहती हैं, उनको थैंक्स करना चाहती हैं कि उनकी वजह से, उनके कदम उठाने की वजह से वो यहाँ TCF में आज पढ़ रही हैं और अपना मजबूत करी हैं अपने आप को
اپنے آپ کو ایجوکیشن فراہم کر کے اور بلکہ اپنی امیوں کی وجہ سے ایجوکیشن فراہم کر کے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہی ہیں. کون آئے گا یہاں پہ اپنی ماں کو کچھ کہنے کے لیے, لکھ کر کہنے کے لیے؟ آؤ. اور کون آئے گا؟ آ جاؤ, ایک ایک کر کے لے لو بورڈ وہیں پہ. مارکر بھی رکھیں, یہ رہا مارکر. جب تک یہ بچیاں اپنی ماں کے لیے کچھ لکھ رہی ہیں, پتہ کیا ہوتا ہے, جذبات ابھارنے کے لیے, جذبات باہر نکالنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس, تہریم تمہیں تو گانا نہیں آتا مجھے پتہ ہے, لیکن ایک شخص ایسے ہیں جن کو گانا آتا ہے, وہ یہ ہیں. تو ذرا اگر ماں کے اوپر ہی گانا کوئی ہو جائے تو شاید یہ اور بہتر پرفارم کر سکے. کیا خیال ہے؟ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, پھر ہم ڈسکشن کر لیں گے. اس کے بعد کچھ گانا نہیں گانا کیا؟ نہیں, ایک شعر گانے کا, ایک شعر سنا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ شروع کریں. لوگ شرما رہے ہیں, بولنے میں شرم نہیں آتی. گانے گانے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, باقاعدہ سنگر سنگر تو ہے نہیں. تو لیکن چلیں, تو یہ بیٹیاں اپنی ماؤں سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں, تو اس گانے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مجھ کو جھلاؤ نا, جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا, جھول کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے, تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے, ماں مجھ کو جھلاؤ نا, جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا, جھولا. جنت میری ہے پاؤں تلے, کون ہے جو انصاف کرے, ماں مجھ کو رلاؤ نا, جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا, جھولا ذرا ہو لے جھلاؤ نا, جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا, جھولا. زبردست. اچھا, یہاں اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے, آپ کر چکی, لکھ چکی, تو ذرا آپ خود پڑھ کے سناؤ گی یا میں پڑھوں؟ ہاں آپ پڑھو, آؤ ذرا یہ مائک لو. چلو جی. میری امی میری جان ہے, میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی. ماں کی محبت عظیم ہے, ماں کی محبت کی خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. انہوں نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا ہے, ماں کی دعا جنت کی ہوا. اوئے اوئے جذباتی کہاں تمہاری امی, دکھائے ذرا اپنی امی کو, دکھائے بھائی کیمرے میں. اوہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, بھائی کیا بات ہے ماں کی, زبردست. ہاں جی آپ کی باری. امی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. امی میں آپ کو وہ بن کر دکھاؤں گی جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے. میری پیاری امی میں مضبوط بنوں گی اور آپ کے خواب کو پورا کروں گی. کیا بات ہے, کہاں ہیں تمہاری امی؟ اس کی امی کدھر ہے بھائی؟ امی کھڑی ہو کے دکھائے, پراؤڈ مدر. واو کیا بات ہے. اب آپ کی باری. میری پیاری امی جان, میں اپنی امی سے بہت, میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے کہ میرا بھی فرض ہے کہ میں ان کے لیے مضبوط دار بیٹی بنوں. آئی لو یو امی. جی لو یو امی. کدھر ہیں؟ کہاں گئی؟ مجھے رہی امی. ہاں بھائی جی ماشاء اللہ بھائی, بڑی چھوٹی چھوٹی امی ہے, مجھے تو کمپلیکس ہو رہا ہے. کیا بات ہے بھائی, دیکھیے کیٹو شیٹو کے بغیر بھی گیم ہونے. یہ دیکھیے یہ لے, آپ کے لیے, آپ کی امی کے لیے, دونوں کے لیے تحفہ آپ کے لیے. اتنی پیاری بات ہے کہ حالانکہ آج کل کے بچے نا امیوں کو کہتے نہیں ہیں آئی لو یو امی, بڑے بچے.
बेटे कहते हैं बेटियां नहीं इतनी मतलब एक्सप्रेसिव होती है अम्मियों के साथ, वो अब्बा के साथ ज्यादा जरूरी होना चाहिए जी। तो अब मैं नोया से पूछने वाली हूँ, नोया अगर आपसे पूछा जाए कि आप अम्मी से ज्यादा प्यार करती हैं अब्बू से, तो नोया क्या कहेगी? अम्मी अब्बू में कंपटीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई जो पूछो मैच्योर जवाब दे रही है भाई, क्योंकि अम्मी अपना प्यार देती हैं अब्बू अपना प्यार देते हैं। माय गुडनेस, लेकिन आप ज्यादा सुनती किसकी हैं, अम्मी की या अब्बू की? सच सच बताना नोया। अम्मी की। अम्मी की? और डांटता ज्यादा कौन? डेफिनेटली मामा। डेफिनेटली, लाइक इट गोज विदाउट सेइंग, अंडरस्टूड। अच्छा, आपकी ज्यादा कौन सुनता है, अम्मी सुनती है या अब्बू सुनते हैं? ये मैंने कभी नहीं सोचा। नोट नहीं किया आपने कि आप अब्बू को कहती हो? ऑब्वियसली मैं सुनती हूँ। हाँ, बर्थडे पार्टी पे मैं लेके जाती हूँ, बाहर आउटिंग के लिए मैं लेके जाती हूँ, और जो शॉपिंग होती है उसके लिए मैं लेके जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सुनती हूँ ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। ये वाला तो जवाब आपने मुझे, इसको आपने नहीं कहा ऑफ कोर्स मम्मी, इसको तो ऑफ कोर्स मम्मी नहीं आया, ये तो बनता था ना। ये ऐसे बच्चे जो है ना वो बड़े आजकल समझदार हो गए, एक जमाना होता था जैसे मेरा बच्चा, ये तो कोई मैनिपुलेटिव नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, जो मेरा 5 साल वाला है ना वो इतना पॉलिटिकल है कि वो मुझे कहेगा खड़े होके कि आई लव यू मोर देन हिम, और एग्जैक्टली बाहर जाकर कहेगा आई लव यू मोर देन हर, आई लव हर 5 मिलियन। उसको तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे याद से सुनाता है कि देखो ये भी मोहब्बत का इजहार करता है। और एक दिन मेड ने पूछा कि आप क्यों ऐसे बोलते हैं मम्मा को कि आप उनसे कम प्यार करते हैं और बाबा से ज्यादा, इसलिए कि वो फिर रोने लगेंगे ना, तो इसलिए। आपका बेटा एक्सप्रेसिव है? हाँ, पहले अच्छा मेरी भी तबीयत में वो शाइनेस वगैरह काफी थी, अब वो जरा मीडिया शीडिया में आगे तो उसमें भी अभी है, और आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म हो रही है बहुत। तो जब जब जैसे जैसे वो टीवी पे आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता गया। अच्छा, तो वो एक्सप्रेसिव इतना नहीं है अभी? पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और आपकी बेटी? मेरी बेटी और बेटा दोनों, जो एक खास चीज जो है वो ये कि मुझे अब्बा नहीं पुकारते वो। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो? मुझे जिगर कहते हैं। अल्लाह, कितना अच्छा आइडिया जिगर। मैं जब छोटा था तो मैं उसे कहता था कि मेरा जिगर का टुकड़ा है। हाँ। और मैं पता नहीं शायद कई सौ दफा कहता था, तो उसने मुझे आइडेंटिफाई जिगर से किया, तो जब पहला लफ्ज मेरे लिए उसने इस्तेमाल किया, या नहीं जिगर है। आइडिया अच्छा, मैं दोस्तों को कह रहा है जिगर, जिगर है। तो ये तो दोस्त बनाने का बड़ा फायदा। यहाँ मैं टीसीएफ स्कूल में एक खास बात ये देख रही हूँ कि टीचर्स ना बड़ी यंग टीचर्स हैं। एक होता है ना जब आप थोड़ी सी सीनियर टीचर्स हो जाती हैं, थोड़ी सख्त भी हो जाती हैं, तो टीचर्स मुझे बड़ी यंग सी नजर आई। वो बड़ी सॉफ्ट भी होती हैं, वो चिड़चिड़ी भी नहीं होती हैं बच्चों के सवाल करने से। उसमें टीसीएफ को जो है ना मेरे ख्याल से डबल एडवांटेज, एक तो एक पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दे आर कनेक्टेड विद अ कॉज, तो उनको पता है कि वो सिर्फ एक नौकरी करने के लिए नहीं आ रहे, एक मकसद भी है। सही, सही, सही। किसी की जिंदगी जो है वो शायद अदरवाइज वैसे नहीं बन सकती, ये मेरी वजह से बन रही है और मैं बनते हुए देख रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि टीसीएफ पे जो एटमॉस्फेयर, जिस तरह का जो कल्चर प्रोवाइड किया गया है, उसमें कोशिश ये होती है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो की जाए ज्यादा से। और मैं कई दफा अक्रॉस पाकिस्तान टीचर्स ने मुझे कहा कि हम फिलहाल प्राइवेट स्कूल से या फिलहाल गवर्नमेंट स्कूल से आए, वी आर रिस्पेक्टेड मोर हियर। हमें एज अ टीचर, मतलब ये नहीं हमें एज अ एम्प्लॉय वो नहीं ट्रीट किया जाता है, या बच्चे को जो है वो सिर्फ इस वजह से कि ये कस्टमर है, ये पैसा दे के आ रहा है, तो आपने जो है वो चाहे गलत बात करा है सही बात करा है, तो वो रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है टीचर्स को। अच्छा, एक छोटी सी बात जो मैं बहुत पूछना चाहूंगी, यहाँ हर किस्म के बच्चे होते हैं, कोई प्लम्बर का भी बच्चा है, कोई गार्डनर का भी बच्चा है, कोई किसी के अबू कंडक्टर भी हैं बस के, तो ऑब्वियसली सबके घर का अपना एक माहौल होता है। जब वो सारे बच्चे मिलते हैं तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? वो एक घर की जो तरबियत चल रही होती है उनको एक डिसिप्लिन में लाना होता है। इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि परसेप्शन चला आ रहा है कि घर का जो है वो इन्फ्लुएंस शायद 80-90% होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका माहौल का इन्फ्लुएंस भी
इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि जैसे अगर बाहर कोई बच्चा जाता है किसी बाहर के मुल्क में, तो 100% ऑफ द टाइम वो एक्सेंट कभी भी अपने माँ बाप का पिक नहीं करता. वो हमेशा माहौल का एक्सेंट लेता है, माँ बाप का नहीं लेता है. इवन उसकी उर्दू जो है वो खराब हो जाती है बाहर जाके, क्योंकि वो माहौल करके नॉर्मल उर्दू में बात, जिसमें हमारी कोर वैल्यूज हमारी जो है, जिसमें हम इन वैल्यूज को, जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट शामिल है, इसके अंदर जो है वो इंटेग्रिटी उसके अंदर शामिल है. सो बेसिकली ये कि कोर वैल्यूज जो है वो बच्चों की हम कोशिश होता है कि वो क्योंकि जो इंडिविजुअल वैल्यूज एक ग्रुप फॉलो करता है तो वो कल्चर बन जाता है. हाँ. उस इदारे का या उस कभी का. ऐसा होता है कि हाय तो जो फाइनेंसेस है वो तो खत्म हो गए, अब क्या होगा? कभी ऐसा होता है आप लोग ऐसे मुश्किल में फंस जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ. 24 साल में हमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्कूल हमें सोचना पड़ा कि जी बंद करना पड़ेगा. इतने पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे एम्बेसडर्स, हमारे सपोर्टर्स हैं कि जो हर वक्त आते हैं और हर साल 30-40 स्कूल ऐड हो रहे होते हैं, 50 स्कूल ऐड हो रहे हैं. नहीं बनाए ये स्कूल, पाकिस्तानियों ने बनाए. ये 100% पाकिस्तानी है, इसके फाउंडर्स पाकिस्तानी है, इसको चलाने वाले पाकिस्तानी है, और इवन जो बाहर से भी पैसे आते हैं वो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है वो हमें सपोर्ट कर रहा है उसका. तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि द सिटीजंस फाउंडेशन TCF तो ये है ही सिटीजंस की मूवमेंट. हाँ. हम कहते हैं ये पाकिस्तान का मसला है, इससे पाकिस्तानियों ही को हल करना चाहिए, है ना? और भाई अब हमें आप स्कूल तो दिखाएं. हाँ. हम चलते हैं जरा और स्कूल देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं. देखें TCF स्कूल जहाँ ये बच्चे पढ़कर माशाल्लाह बहुत अच्छी राह पर गामजन होने वाले हैं, और आपको हमने मिलवाया भी है यहाँ से पढ़ी हुई बच्चियों को से. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम एक दौरा करते हैं TCF स्कूल का. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. लाइफ बॉय शैम्पू कहते हैं बेटी पढ़ाओ उसे मजबूत बनाओ. गुड मॉर्निंग. के तमाम स्कूलों में जो है वो प्लेग्राउंड हो, कंप्यूटर लैब्स हो, ये पूरा प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलने के लिए है. अंदर अभी स्कूल में आप कंप्यूटर लैब्स देखेंगी, साइंस लैब्स देखेंगी, लाइब्रेरी होती है बच्चों के लिए, स्पेशियस रूम्स होते हैं ताकि बच्चों को जो है जो यूनिसेफ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है. 1:30 का रेशो बच्चों के हवाले से मेंटेन किया जाता है कि एक टीचर पे 30 बच्चे, तो 1:30 का रेशो होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के हवाले से. कि ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो टीचर को पता नहीं, जैसे जैतून ने कहा कि टीचर ने मेरा नाम पूछा. हाँ. उसने मुझसे पूछा कि तुम पहचानती थी, पहचानती. हाँ. वो चीजें जो है वो आपको कई स्कूलों में नहीं नजर आती है, स्पेशली जहाँ 80-100 बच्चे जो है वो बैठे हुए. कितनी प्यारी है. माशाल्लाह, प्यारी प्यारी पक्षियां हैं, क्यूट. अस्सलाम, क्या मजा आ रहा है? लड़कियां वाकई कितनी, मुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छी लगती हैं पढ़ते हुए. बच्चे शर्मा रहे होते हैं ना, आप अपने बच्चों को भी कहते हैं मुंह में हाथ डाल के नहीं कर सकते, ये लोग आगे बढ़ आगे आगे. हाँ. सो एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आज हम अपने 10-12 साल के बच्चों को भी रोड अकेले क्रॉस नहीं कराते हुए डरते हैं हम. ये बच्चे जो हैं ये सब्जियां, अंडे, टमाटर ये घर लेकर आ रहे होते हैं बाहर से माँ के लिए चीजें, और बाज नौकरियां कर रहे होते हैं इस उम्र में, अपने माँ बाप के लिए काम कर रहे होते हैं किसी न किसी उसमें. वो जो कोशिश होती है कि कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों में डाला जाए, वो हमारा पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम जो है वो हमारे 5 C's होते हैं. अस्सलाम वालेकुम. नाज़मा हमारी प्रिंसिपल है और ये आफ्टरनून शिफ्ट हमारा जो है वो देखती है सारा. अच्छा. अभी हमें अच्छा आपका स्टाफ रूम भाई, जरा खिड़की से स्टाफ रूम तो दिखाएं. ये बड़ी
अच्छी बात है हमारे बच्चों की ना, पाकिस्तान के बच्चे जब टीचर आती है खड़े होते हैं, पूरे दुनिया में कई वाले बच्चे इतनी इज्जत नहीं देते टीचर तो खड़े नहीं होते. वेरी गुड. हाँ भाई मजा आ रहा है, बैठ जाओ. क्लास मान रही है. थैंक यू टीचर. थैंक यू टीचर. मेरा नाम मेरा शौक पूरा हो गया आज, टीचर आज हमारा टीचर बनने का ख्वाब मेरा पूरा हो गया. चले भाई आगे बढ़ते हैं. क्लास मान रही है. लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं. बहुत जरूरी है लाइब्रेरी जी. तो ये देखिए ऐसा स्कूल है जहाँ लाइब्रेरी भी मौजूद है. हमारे तमाम स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, बल्कि हाँ. हमारे यहाँ एवी रूम, ऑडियो विजुअल रूम भी है. सो यहाँ पे जो है वो हम बच्चों को जो है ये मेगा टैब्स जिसके इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है डिजिटल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी बच्चों को जो है वो कराए जाते हैं. अच्छा. और इंटरैक्टिव तो ये प्राइमरी के बच्चों के साथ जो है वो शुरू हम लोगों ने भी रिसेंटली किया है. आई थिंक इतना खूबसूरत सिस्टम है कि जिसमें आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सारी चीज़ें हो रही हैं. तो जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि इतना खूबसूरत स्कूल होने के बावजूद अगर हमारे बच्चे अब भी पढ़े लिखे ना हों जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यकीन करें मेरे लिए तो बहुत तकलीफ की बात है. पता नहीं बाकी लोग किस तरह से फील करते हैं या पेरेंट्स किस तरह से फील करते हैं. पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स आई वुड लाइक टू थैंक लाइफ बॉय और ARY की इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी आज के बाद पता चलेगा. अगर हमारे स्कूल मौजूद अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी जेब में इतना पैसा नहीं भी है, तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम मौजूद है जो आपके बच्चे को लेगा और उसको यू नो ग्रो कराएगा, आपके स्टेटस को ऊपर करेगा. वो वाली चीज है जो बच्चियां हमारे साथ सक्सेस स्टोरी में बैठी हुई थी, वो उनके घर में खानदान में शायद वो ऐसी होंगी जो सबसे मुख्तलिफ होंगी. लेकिन निदा ये भी तो सोचो कि वो एक लड़की थी जिसकी माँ ने तकलीफ उठाई या बाप ने तकलीफ उठाई, लेकिन फिर वो पूरे खानदान के लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए रोल मॉडल बना. ये भी कितनी बड़ी बात है ना. नया तुम सब देख रही हो, देख रही हो ना पढ़ना कितना जरूरी है. अब अच्छे नंबर लाने हैं तुमने जी आइए ये लाइब्रेरी अपने दिखाई आगे. आपको ये जान के खुश होगी कि हमने अपनी किताबें पर डिजाइन की है. हमारी आप अभी ऊपर जाएंगे मैं आपको किताबें दिखाऊंगा, तो मेरी रियाजी हमारी अपनी डिजाइन की हुई है, लर्निंग इंग्लिश विद इकबाल एंड SST का जो जिक्र कर रही है हमारी दिलकश दुनिया. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बीट आवर ओन ड्रम्स बट आई थिंक वी हैव प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट सोशल स्टडीज बुक्स इन पाकिस्तान. वेरी नाइस, वेरी गुड बुक्स. तो अभी आप चलते हैं आपको दिखाते हैं किताबें हैं. और मुझे कुछ और सवाल भी आपसे करने हैं ना. आप स्टूडेंट्स की तो बात करें, हम टीचर्स की भी तो बात पूछे कि टीचर्स कहाँ से आते हैं. तो अभी मैं कुछ किताबें भी आपको दिखाते हैं जो हम लोगों ने खासतौर पे इन बच्चों को जहन में रखते हुए डिजाइन किए हैं. जैसे साइंस की बुक्स हैं, साइंस की बुक्स जो हैं वो लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं, क्योंकि इतनी महंगी चीजें ना हो कि बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो वो चीजें जो हैं वो लेकर. अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे बच्चे तो एडमिशन हो जाता है उनका, उनके टेस्ट होते हैं, आप लोग टीचर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं और क्या टीचर्स यहाँ आने में पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते भी हैं कि नहीं, क्या उनके ट्रायल होते हैं? मैं वो जो आप खवातीन के हवाले से बात करी थी, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान. हमारे 12,000 फीमेल फैकल्टी है पूरे पाकिस्तान में जो पढ़ा रही है. हम इस चीज़ में बहुत फख्र महसूस करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में TCF का एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर है. और हमारी जो तमाम टीचर्स हैं वो कम से कम 100 घंटे की ट्रेनिंग सालाना लेती हैं, वो मैंडेटरी है. एंड ओवर एंड अबव हमारा टीचर कंटेंट टेस्टिंग भी होता है, तो हर टीचर जो है जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो बच्चों के साथ साथ उसके अलावा वो भी टेस्ट
डिक्लेयर करती है उसके और उसकी अपनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि अगर एक टीचर खुद 50% मैथ में स्कोर कर रही है तो वो 30-40% ज्यादा आगे बच्चे को नहीं दे सकती। अच्छा, टीचर्स की जो सैलरी होती है वो प्राइवेट स्कूल जितनी होती है या उससे कम होती है? अगर आप जो वैसे मतवसत तबके के जो प्राइवेट स्कूल जो उससे तो बेहतर होती है। अच्छा, गवर्नमेंट के उससे हमारी कम होती है। अच्छा, गवर्नमेंट में ज्यादा फैसिलिटी। आपको ये किताबें हम लोगों ने इंटरनली जो है वो खुद डिजाइन की हैं, डेवलप की हैं। सब जिस तरह मुहिमजोई के ऊपर जो है वो किताब है, स्कूबा डाइविंग वगैरह जो है वो बता रहे हैं बच्चों को कि स्कूबा डाइविंग होती है, यहाँ पे क्या चीज किस तरह से कराई जाती है। दूसरा ये कि हमारे जब खत्म होती है तो उसमें बाद में सवाल नहीं होते बल्कि प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, बच्चे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे डिजाइन के अंदर के बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और इसी वजह से हम उर्दू में पढ़ाते हैं, क्योंकि 70-75% पाकिस्तानी उर्दू बोल सकते हैं और जिस जिस तबके के बच्चे ज्यादातर यहाँ आ रहे होते हैं उनको नहीं अंग्रेजी आती, बेचारे कहाँ से सीख कर आए। शोर आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप कोई भी लैंग्वेज चाहे वो आप सीख सकते हैं। यार, देख ही रहे थे नीचे जो जो सक्सेस स्टोरीज आपकी थी जी, जो उनका तलफ्फुज़ था उर्दू का इंग्लिश का, तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। तो वही वाली बात है ना कि बेसिक्स उर्दू से शुरू करेंगे, जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर जाके वो दूसरी जबान अपनाएंगे जो हमारी जबान नहीं है। बिल्कुल, तो उसमें हम हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है क्रिटिकल थिंकिंग इसके ऊपर ज्यादा जोर दें rather than कि उल्टा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी खुद बुक्स डिजाइन किए, बिकॉज़ जो पुरानी बुक्स हमारे पास अभी भी उर्दू की जबान में है वही चली आ रही है यार, और वो इतनी मुश्किल उर्दू है कि मैंने भी वही पढ़ी, मेरे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। क्योंकि उसका रट्टा लगा लेते हैं बच्चे लेकिन मतलब नहीं बताता मतलब कि क्या बात की है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है और इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो साल पर साल कुछ ना कुछ लाते हैं। अपना लैब दिखाएं, हम लोग का लैब जी, हमारी जो साइंस लैब्स हैं वो सेकेंडरी में हमारे सेक्शन में, प्राइमरी में साइंस लैब्स नहीं है। और यहाँ पे कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास? यहाँ केजी से ग्रेड 5 तक हमारा वो देखते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट अलग है, इतना लोड इतनी डिमांड है एनरोलमेंट की, सो वी मेक श्योर कि हम जहाँ जहाँ हमें डिमांड बढ़ती है हम आफ्टरनून शिफ्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज करते हैं और वहाँ पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिल्डिंग तो खड़ी हुई है आपकी, टीचर्स वही चल रहे हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट की भी या दोपहर या शिफ्ट की, जरूरी नहीं है कभी होता है वरना सुबह के अलग होते हैं। अच्छा, क्या हमारे यहाँ पे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या जो बड़े स्कूल में जाते हैं, क्या उनमें से कोई लोग आते हैं वॉलंटियर करने के लिए समर्स में या इस तरह कोई? आप क्या हमारा समर कैंप होता है जिसमें ओए लेवल्स के और यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है हमारे ग्रेड 2, 3, 4 and 5 के बच्चों के साथ 15 दिन का कैंप करते हैं। इसके अलावा हमारा एक अलमनाई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे बच्चे टीचिंग करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों को जो है वो टर्शियरी एजुकेशन के लिए जाते हैं। पर्सनली नो समवन, जो अभी पिछले हफ्ते एक बच्ची नॉर्वे से ऑल द वे यहाँ पर आई है, उसने यहाँ 6 हफ्ते गुजारे इस्लामाबाद में और TCF के स्कूल में पढ़ाया और वापस। आई पर्सनली नो, पता है मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये कोर्स कंपलसरी करना चाहिए कि आपने इतने अरसे तक ये पढ़ाना है तो आपको डिग्री मिलेगी। कुछ ऐसा गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कोई सिस्टम कि आपकी जो न्यू नई जनरेशन है वो एक जो है बहुत एम्फसाइज किया जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ वी आर रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियर प्रोग्राम्स इन DCF। एक हमारा रैबर प्रोग्राम है, रैबर प्रोग्राम में आप एज अ मेंटोर जो है वो जाते हैं और आप जो है वो बच्चों को 8वीं-9वीं जमात के बच्चों के साथ एज अ रैबर एज अ मेंटोर उनके साथ गुजारते हैं। उसका जो खूबसूरत चीज़ है वो एक सोच से तकदीर का एक मॉडल है कि आप जो भी सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है। वो हरकत जब आप बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है और आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाती है और आपका जो किरदार है वो आपकी तकदीर बनाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक, यू माइट जस्ट गेट इट। सो आप जो है सोचेंगे अगर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आउटलुक होगा आपका, अगर आप मनफी सोचेंगे तो एक मनफी आउटलुक आपका जिंदगी के साथ। ना आप खुद कुछ बन पाएंगे और ना किसी को बनने देंगे। नेगेटिविटी तो हटाएं और अपनी बेटी को मजबूत बनाएं, बेटी पढ़ाएं उसे मजबूत बनाएं। जी आगे बढ़ते हैं।
जो है अब ये बायलिंगुअल है, इसमें उर्दू में सवालात होते हैं लेकिन अंग्रेजी में जितने भी आपके टेक्निकल वर्ड्स वगैरह होते हैं वो उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहे थे, इंग्लिश में भी हो रहे थे, तो बच्चे जब आगे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी से। बिल्कुल। क्या हुआ भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में? मैथ्स का पीरियड हो रहा है इस बार। सबसे अच्छा कौन है मैथ्स में, सबसे अच्छे नंबर कौन लाता है? Very good. अच्छा मैं ये देख भी रही हूँ कि हर क्लास में मुझे बेटियाँ ज्यादा नजर, लड़कियाँ ज्यादा नजर आ रही हैं। एक बार डिजाइन जैसा मैंने कहा कि अगर आप सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो आप घर के करीब होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे सेफ सिक्योर्ड है, बाउंड्री वॉल है, खवातीन देख रही हैं उसका। और खवातीन एक इन जनरल भी माजरत के साथ कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से ज्यादा शफकत ज्यादा होती है उनमें, स्पेशली छोटे बच्चों कुदरती। तो वो एक साहब है, मैं इसलिए माजरत कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे वो लड़ने खड़े हो गए। आपने सब टीचर्स को हायर किया हुआ फीमेल, मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा मैं तो आपको अवेयरनेस बता रहा हूँ कि नहीं एजुकेशन नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन को क्यों आपने हायर किया? इसका देखें हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चों को एनरोलमेंट है, बच्चों की उनको पढ़ाने। बिल्कुल। सो अभी रिसेंटली बल्कि इकोनॉमिस्ट ने अभी हमें रिपोर्ट करा कि दे सेड दैट वी आर प्रॉबली द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल इन द वर्ल्ड। दुनिया में इससे बड़ा नेटवर्क फॉर्मल एजुकेशन का नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं है। तो वो यही आप जैसे जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सपोर्ट कर रही हैं इस कॉज़ को। तो ये सिर्फ उसकी वजह से मुमकिन हो रहा है। बिल्कुल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुबह सुबह हमसे मिल रहे हैं TCF स्कूल में। वसीम बदामी मेरे साथ हैं, तहरीम, नोया और रस्पन यार साहब तो यहाँ होते ही हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हमने माओं की बात की, बेटियों की बात की, पूरा प्रोग्राम में हम माँ बेटी रिलेशन पे बात करते गए। हमें ये भी पूछना है कि बेटे और माँ का रिलेशन क्या है, तो ये वसीम बताएंगे ना ज़रा, आपकी माँ से आपका कैसा रिलेशन है? देखिए अब जब भी कोई इस तरह का सवाल होता है ना, मैं आमतौर पर बड़ा कोशिश करता हूँ कि बच जाऊँ इस तरह के सवाल से। हाँ। इसलिए कि हम जब शोज कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो बहुत हसास मौजूदात पर भी कभी कभी बात हो रही होती है, बड़े मुश्किल मौजूदात पर भी बात हो रही होती है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कोई मुश्किल मौजू नहीं लगता कॉमेंट करना, इसलिए कि ये इतना ज़्यादा आपके दिल से करीब होता है। और फिर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाता है, हम क्या हमारी औकात क्या। लेकिन जब मैं कभी ये पढ़ता हूँ या ये सुनता हूँ कि अल्लाह के नबी भी अल्लाह से कलाम करने जा रहे हैं और अपनी माँ के इस दुनिया से रुख्सत होने के बाद कलाम करने जा रहे हैं, तो आवाज़ कुदरत आ रही है कि अब ज़रा कदम संभल के रखना, इसलिए कि अब वो हाथ जो तुम्हारी दुआ के लिए उठते थे वो तहे खाक हैं। तो इसका मतलब है कि माँ आपकी ज़िंदगी में अगर है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, और नहीं है तो फिर बहुत कुछ मिसिंग है। तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो भी है, और आपकी लाइफ का एट द सेम टाइम सबसे बड़ा जो फियर है वो भी इसी से अटैच्ड है, इस चीज़ के खो जाने से अटैच्ड है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा। है तो आपकी कोई दुआ करने वाला है? आप कहते हो देख लेंगे यार, कुछ नहीं होता, किसी से नहीं करना भाई, माँ है हमारी। यस। सो मुझे तो अगर कोई पूछे कि भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब मेरी सोच से ज़्यादा कोई दो पैसे भी आ गए, चार लोग जान भी लेते हैं, ये वो सब, कोई मुझसे पूछे कि भाई सबसे बड़ा आपका रिग्रेट क्या रहेगा लाइफ में, तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला मेरी माँ को लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। कि लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जितना टाइम मुझे उनके साथ गुजारना चाहिए था वो मैं शायद नहीं गुजार पाता। उनको चाहिए भी सिर्फ टाइम ही होता है। बस उनको आप कहेंगे मैं आपके लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, मैं आपके लिए जोड़ा लाया, मैं आपके लिए बंदर लाया, मैंने आपके लिए बनाया, उनको सिर्फ आपका
का टाइम चाहिए कि बस टाइम दे दो बेटा मेरे लिए। तो माँ की लालचें भी आपसे अजीब होती हैं। हाँ बताओ, मेरी माँ मुझे कभी ये नहीं कहेगी मुझे इतने पैसे दे दो मुझे ये दिला दो, कहेंगी आज तुम नमाज पढ़ लिया ना टाइम पे, देखो बहुत डंडे पड़ेंगे अपन नमाज टाइम पे पढ़ लिया। यानी उनको वो लालच भी है कि माँ का मामला भी खराब है, माँ भी मेरा बच्चा सेफ रहे। पर अम्मा को ये भी होता है अच्छा जो मैंने बनाया वो खाओ ना, उसकी फिर उसकी तारीफ सुनने की। जाती थी तो मैं रास्ते में होती थी तो अम्मी ने पुलाव जरूर बनता था या कढ़ाई जरूर बनती थी, तो मुझे कहती थी। अब मैं एग्जैक्टली घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूर होती थी तो मुझे फोन आता था, तो अब मैं जब वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे याद आता है कि यहाँ पे अम्मी फोन किया करती थी। तो कहती थी मैंने ये बनाया ये बना लो, तो कभी कभी तो मैं यूँ हो जाती थी कि अम्मी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, मैं खाना खाने नहीं आ रही। यही चीज मेरे साथ, हम मना करते करते थक जाते हैं, वो पूछते नहीं थकते, वो पूछते पूछते नहीं थकती थी। हकीकत है। और किसी बात पे तो मम्मा नाराज हो जाती थी, मैंने कहा यार मैं डाइट पे हूँ मुझे नहीं खाना, नहीं खाओ। ये माँ की मोहब्बत है, उसका बस नहीं चलता, वो बस सारी चीजें हमारे अंदर उतार दे, वो सारी अच्छी चीजें, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो खाने के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, अच्छा कपड़ों के मामले में हो। बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो उसका होता है कि थोड़े पैसे हैं तो चलो मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े और जूते ले लूँ, ईद इसी की हो जाए। कितनी माएँ बगैर ईद मनाए, लाइक ईद पे नए कपड़े पहने बगैर ईद मनाती है, लेकिन बच्चियों के लिए उन्होंने बिल्कुल बहुत एफर्ट करती हैं माएँ, और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उनके उनका हर दिन उनका हर इवेंट जो है वो मेमोरेबल हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि TCF स्कूल में जो बच्चियाँ आती हैं उनमें जितनी भी हमने कहानियाँ सुनी हैं, जितनी भी बच्चियों से बात की, तो उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अगर ये माएँ ना स्ट्रांग होती तो बच्चियाँ कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो एक एक बच्ची को मजबूत बनने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले उसकी माँ का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। और वो बेचारी यहाँ कभी कभी किसी को मौका नहीं मिलता पढ़ने का, उनके वसाइल नहीं होते, उनके घरों से निकलने की उनको इजाज़त नहीं होती, तो वो अपना ख्वाब अपनी बेटी में पूरा करती। हमने यहाँ देखा है इन सब से मिलकर अंदाज़ा हो। तो आप अपनी अपनी मम्मी को अगर कुछ कहना चाहें इस प्रोग्राम के जरिए तो क्या कहें? He summed it up very well. यही दो बातें जो कि मैं अक्सर कहना चाहता हूँ और मैं नहीं कह पाता, इसलिए मैं जेस्चर्स का सहारा लेता हूँ। तो ये बात बहुत ठीक है कि मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी की माँ से ही कहता हूँ कि आई लव यू एंड आई एम सॉरी। हवा के आई लव यू एंड आई एम सॉरी, ये सारी जिंदगी हम अपनी माँ को कहते ही रहते हैं आई एम सॉरी 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 सॉरी, कितनी गलतियाँ करते हैं, मगर एक ये माँ ही होती है जो हमारी हर गलती को माफ़ करती चली जाती है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि ये गलती तो अम्मी माफ़ नहीं करने वाली, लेकिन उन्हें करनी ही होती है माफ़। और जब आप खुद बाप बनते हैं या माँ बनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इट हर्ट्स। अगर आपको होता है यार मैंने ये भी किया था उनको उसको भी तकलीफ ही होगी, जो कि मैं उस वक्त सोचता था कि यार इज इट इवन एन इशू यार, मतलब हम सोचते थे कि अम्मी को थोड़ी पता चला, तो ये मुझे कहती है हाउ डू यू नो कि आपको ये बात कैसे पता है, तो मैं कहती हूँ कि बस क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो मुझे याद आता है कि कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो मैंने सोचा होगा कि अम्मी को नहीं पता बट शी न्यू। और बहुत पेरेंट्स में रख रखाव, जो पहले के पेरेंट्स में बड़ा रख रखाव था, वो कहते थे हम तो कन्फ्रंट कर लेते ना बच्चे को कि नहीं यू लाइंग डोंट डू दिस, लेकिन पहले के पेरेंट्स नहीं करते थे, वो कहते थे अच्छा चलो ठीक है ना एक मौका और। हाँ एक आंख बंद वाली बात था वसीम वाली की, एक आंख बंद कर। तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा क्या रिलेशन था? मेरी अम्मी से मेरा क्या रिलेशनशिप था? मेरी अम्मी से मेरा रिलेशनशिप ये था कि मैंने अपनी माँ को रात में करवट बदलते हुए ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह तुम्हारा दोनों जहान भला करे, जब आप सो रहे होते हैं आपको कुछ याद नहीं होता। सो मैंने अपनी माँ को अपनी हर खुशी में और अपने हर गम में अपने साथ, अब 6 साल हो गए मुझे लगता है शी स्टेप विद मी। तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स चले जाते, फिजिकली वो आपके पास नहीं होते, बट आपकी एग्जिस्टेंस आपके पेरेंट्स हैं, आपकी तरबियत आपके पेरेंट्स हैं, आप जो अपने बच्चे को वैल्यू दे रहे हैं वो भी आपके पेरेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा उनसे कनेक्शन अभी भी है। आई पता नहीं लोग हंसेंगे शायद मेरी बात सुनकर, मैं आज भी अपने बाप से बात करती हूँ, 11 साल हो गए उनकी डेथ को, बट मैं उनसे ऐसी बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बात कर रही हूँ और वो सुन रहे हैं। तो आई थिंक आप जिस तरह फील करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को आप उस तरह कर सकते हैं। और इस तरह के बदनसीब लोग भी मैंने देखे हैं जिनके माँ बाप साथ बैठे हुए होते हैं और उनको पता नहीं है कि उनके पास कौन सा जन्नत का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो उसको देखना नहीं चाह रहे। हाँ तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मैं भी अपनी अम्मी से कुछ कह दूँ जाते जाते कि हकीकत है बेटियों को मजबूत बनाने में माओ का बहुत बड़ा हाथ होता है, सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए नहीं उनकी तरबियत के ज़रिए, उनको ये बताना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हारे लिए क्या बेहतरीन है, और
एक सर्टन एज में माओं को सख्ती भी बरतनी पड़ती है अपनी औलाद से, अपनी बेटियों से स्पेशली. वो सख्ती भी बरतती हैं, अपने बेटों से भी बरतती हैं. रात को 9 बजे के बाद नहीं घर से, मतलब लाइक बाहर रहना, इतने बजे एंटर होना है, बेटियों को कहीं नई खानदान में रखना. मुझे अभी ऐसे इस तरह डांट पड़ती है मुझे अभी कि मैं कभी कभी जब थोड़ा मूड हल्का होता है मैं कहता हूँ यार मेरा कोई एक लेवल है आपके बेटे का, मेरे आप तो इतना ईजी ले रही है. मेरी अम्मी भी ऐसी बिस्ती करती थी उठा के तो वही वाली चीज है ना कि बच्चियों को कॉन्फिडेंट और मजबूत बनाने के लिए माओ का खुद मजबूत बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शायद कभी अपने लिए नहीं खड़ी हुई होंगी, मगर जब औलाद का मामला आता है ना तो माँ शेरनी भी बन जाती है. हमने बहुत सारी ऐसी दब्बू माओं को जो है ना वो खड़े होते हुए देखा है अपनी बच्चियों के लिए, उनके हकूक के लिए. तो आपको मैं यही कहूँगी, एक पॉजिटिव चीज़ बार बार रिपीट करूँगी, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी बेटियों से नौकरी कराएं, अगर आपके घर का माहौल नहीं है मत कराएं, मगर अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनके मुस्तकबिल को मजबूत बनाएं. TCF स्कूल कि यहाँ आने की वजह हमारी ये थी कि जो लोग डरते हैं ये कदम उठाने से कि बेटियों को पढ़ाएं, वो यहाँ का माहौल, यहाँ के पढ़े हुए बच्चियाँ देखकर, यहाँ की बिल्डिंग देखकर, यहाँ के टीचर्स देखकर अट्रैक्ट हों और वो कदम उठा लें जो उन्होंने बहुत डर के रोका हुआ है कि बेटी को कैसे ले जाऊँ. तो बहुत सी माएँ इस प्रोग्राम को देखने के बाद निकलेंगी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों का मुस्तकबिल मजबूत करा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मधु करने का भी अपने प्रोग्राम के. मेरा भी शुक्रिया, ARY का भी शुक्रिया, लाइफ बॉय शैम्पू का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये कदम उठाया कि हम आप तक ये बात पहुंचा सके. ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रांड्स का जो है वो जाहिर है किसी ब्रांड का टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन उसके साथ एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लाइफ बॉय हैज डन इट्स पार्ट कि TCF के साथ मिलकर. तो इस तरह के ब्रांड्स को और ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा बड़े अप्रिशिएट करना चाहिए, सोचना चाहिए. और इसी तरह हमारा मुल्क जहाँ जिस लेवल पर हम अपने मुल्क को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़.